हेलो यस चलिए जी चलिए शुरुआत करते हैं यस yes. हाँ जी ये भी नहीं हुआ प्रभु सर दो मिनट पैनासोनिक है ना वहां पे Ajo <coughs> Malik. <coughs> yes, a good evening. तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फास्ट ट्रैक चालू है इसमें फाइनल का कैपिटल गेन शुरू है इसके पहले के दस टॉपिक हम लोगों ने असेसमेंट्स एंड बाकी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है अभी हमारा कैपिटल गेन शुरू है कैपिटल गेन के बाद हम एक शायद या तो डायरेक्ट पीजीबीपी जी लेंगे एक छोटा आई टैक्सेशन ऑफ डिविडेंट एंड गिफ्ट करके फिर पीजीबीपी में एंटर कर जाएंगे इन शॉर्ट अभी जो टॉपिक्स चालू है वो ये चालू है sure आप अपने दोस्तों तक के भी जरूर पहुंचा रहे होंगे एंड एंड इन फ्रास्ट्रेक का मजा पूरा ले रहे होंगे अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने एग्जामिशन की सीरीज खत्म की थी अब अगर आपको याद हो तो फॉर्मैट एक बार वापस देख लेते हैं सेक्शन फोर्टी एट का यस सेक्शन 48 का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का था सबसे पहले था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 48 50 सी 50 सी ए याद आ रहा है मालिक फिर था एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जिसमें एस टी टी पेड इज नॉट अलाउड एस डिडक्शन फिर था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 49 नाइन एंड फिफ्टी फिर था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दैट इज सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी सात प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट पड़ा एक्सेप्ट सिक्स वन जो बाकी है अभी भी हमारा राइट इसमें लास्ट वर्ड था एक्सामिशन सीरीज यस फिर हम लोगों ने क्या किया पूरी की पूरी एग्जामिशन पड़ी 54 uh, की सीरीज थी शॉर्ट टर्म में से सिर्फ चार एग्जामिशन मिल रहे थे 54 54 बी uh, 54 डी 54 जी 54 जीए और यू नो लॉन्ग टर्म में से 54 टू तो 54 जीबी तक के सारे एग्जामिशन अवेलेबल थे यस और नो यस सेक्शन टेन के एग्जामिशन भी पढ़ लिए साथ साथ में कुछ चीज़ें फोर्टी सेवन की भी करते जा रहे हैं जहां जहाँ पे जरूरत है अब मैं जा रहा हूँ स्पेशल ट्रांजेक्शन इन कैपिटल गेन पे कहाँ जा रहा हूँ मैं स्पेशल ट्रांजेक्शन इन कैपिटल गेन जिसको आप एक्सेप्शन टू सेक्शन फोर्टी भी कहते हैं Yes, जिसको आप एक्सेप्शन टू सेक्शन 45 भी कहते हैं इन सिचुएशंस में आपका जो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन है ये थोड़ा सा बदल जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मोटे मोटे तौर पे आपका कैपिटल गेन का फॉर्मेट वैसा ही रहता है सिर्फ जहां चेंजेस है उन चीजों को देखना पड़ता है इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन फिफ्टी आई एम श्योर आपने इसको कभी ना कभी पढ़ा होगा सेक्शन फिफ्टी का आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस ठीक है अब इसको समझते हैं सेक्शन 51 कमिंग टू पेज नंबर क्या बेटा कमिंग टू पेज नंबर 12 13.12 पे आ जाइए सेक्शन फॉर फीचर ऑफ एडवांस सेक्शन फिफ्टी वन मार्क एज इंपॉर्टेंट यस इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा इस पर थियरी नहीं आता इसको प्रैक्टिकल में ही पूछा जाता है याद रखिएगा मालिक इसको प्रैक्टिकल में ही पूछा जाता है ठीक है चलिए आ जाइए सर आ जाइए सर अगर हम देखेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए निकाली ये आपने एडवांस ले लिया और सामने वाले ने बोला कि भैया तीन महीने के अंदर हम रजिस्ट्री कर देंगे फॉर सम रीजन तीन महीने में ये पेमेंट नहीं कर पाया एंड रजिस्ट्री नहीं कर पाई अब आप बताइए इश्यू ऑफ शेयर किया था अगेंस्ट एडवांस सामने वाले ने फुल शेयर का पेमेंट नहीं किया आप क्या करते हो शेयर फॉर फ्यूचर बस उसी तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर में आपने एडवांस लिया है और ये सामने वाला बाकी पूरी नहीं करता, आप को क्या करोगे कर yes, वाले दो चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है पहला फॉरफीचर किया किसने है? और पॉइंट नंबर दूसरा फॉरफीचर किया कब है चलो कमॉन वापस सेक्शन 51 में दो चीजें देखना फॉरफीचर किया किसने और फॉरफीचर किया कब है बराबर है चलिए पहले कब पे बात करते हैं फॉरफीचर कब किया है अगर फॉरफीचर वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन से पहले है या फॉरफीचर वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन के बाद है? वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन से पहले है अगर फॉरफीचर वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन से पहले है तो सिचुएशन अलग है, 2014 के बाद है तो सिचुएशन अलग है वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन के बाद अगर फॉरफीचर है तो इट इज टैक्सीबल एंड दफ आई एफ ओ एस तो पहले ये सेट कर लो इफ फर्चर इज डन आफ्टर आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन इट इजल सॉर्टेड ए मालिक तो इसका नेक्स्ट कनेक्ट आपको आई एफ ओ एस में मिलेगा ठीक है अच्छा अब आते हैं पहले वाले में इफ इज डन प्रायर टू हमें ये देखना होगा फर्फीचर किया किसने है इस फर्चर डन बाय प्रीवियस ओनर और फर्नीचर डन बाय असेसी एस अगर फर्नीचर प्रीवियस ओनर ने किया होगा बिफोर टू थाउजेंड फोर्टीन तो इसे इग्नोर किया जाता है पूछो क्यू पूछो ना क्यू सेक्शन ओनली टॉक्स अबाउट असेसी डू नॉट टॉक्स अबाउट प्रीवियस ओनर तो प्रीवियस ओनर वाला जो फॉरफीचर है आप उसे वैसे ही इग्नोर करेंगे आप उसे वैसे ही इग्नोर करेंगे जैसे भारत सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इग्नोर कर रही है समझ में आ रही बात सो so, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है प्रीवियस ने कोई फॉरफीचर किया होगा इसे क्या कर देना इग्नोर असेसी ने फॉरफीचर किया होगा बिफोर 2014, तो आपको क्या करना है इसे रिड्यूस करना है फ्रॉम कॉस्ट और कई जगह पे हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू और डेप्रिसिएबल अट के केस में डब्ल्यूडीवी लेते हैं तो डब्ल्यूडीवी यस सो so, अगर फॉरफीचर हुआ ध्यान से सुनिए दो पार्ट फॉरफीचर हुआ बिफोर टू आफ्टर टू आफ्टर टू थाउजेंड यस, yes, बिफोर 2014 अगर हुआ है प्रीवियस ओनर ने किया इग्नोर असेसी ने किया रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑल डब्ल्यू डीवी एंड देन टेक इंडेक्सेशन मतलब यू टेक इंडेक्सेशन ऑन द कॉस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगा एक्चुअल कॉस्ट माइनस फॉरफिटेड अमाउंट एक्चुअल कॉस्ट माइनस फोरफिटेड अमाउंट समझ में आ रही बात चलिए समझते हैं इस पॉइंट को Assume कर लेते हैं assume कर लेते हैं। दर्शन खरे सर ने मेरे को कोई advance दिया, जो मैंने फॉरफिट कर लिया मेरे हाथ में तो सेक्शन फिफ्टी वन लग गया हियर इन आफ्टर आई एफ ओ एस में टैक्स हो जाएगा दर्शन सर को लॉस हुआ है क्या दर्शन सर का ट्रीटमेंट क्या होगा कमिटमेंट नॉट डन अगर दर्शन सर बिजनेस कर रहे हैं दर्शन सर क्या कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे केस में वो अपने एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे क्लेम कर लेंगे विच इज अलाउड एज डिडक्शन क्योंकि एक बिजनेस कमिटमेंट जो शायद पूरा नहीं हो पाया यही अगर प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो ये लॉस है जिसका कोई कैरी फॉरवर्ड मिलने वाला नहीं है सीधी बात है मालिक अच्छा जी सर सो फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस अगर हुआ है बिफोर 2014 आफ्टर 2014 दो ही ट्रीटमेंट है इसके यस नो चलिए इस पर क्वेश्चन लेंगे हम राइट right? हाल फिलहाल में सेम चार्ट रजिस्टर के अंदर में बना लीजिए आप जानते हैं हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को बुक के अंदर में बना रहे हैं तो उतना पार्ट बना लीजिए एज इट इज डन सर आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर इंश्योरेंस कंपनसेशन आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर इंश्योरेंस कंपनसेशन सेक्शन फोर्टी फाइव वन ए मेरी बात समझिए सबसे पहले जब भी आपको कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है राइट चलिए इसको मस्त तोड़ताड़ के देता हूं आपको समझना थोड़ा डीप में जाऊंगा और उसके बाद कंसेप्ट आऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो रेलिवेंट पर इसके जो ब्रेकअप्स है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है जब भी कोई एस सी क्या करता है बेटा इंश्योरेंस कंपनी को क्या करता है प्रीमियम देता है बात समझना डिटेल डिस्कस करते जाएंगे आप बताइएगा अगर ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो हम डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80C सी डू यू अग्री हाँ या ना आवाज नहीं आई यही अगर मेडिकल होगा वी विल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी डी यस yes, यही अगर अदर इंश्योरेंस होगा यही अगर अदर इंश्योरेंस होगा तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सेवन टू पी जी बी पी अग्रीड इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर बराबर है अच्छा जी जो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस का अमाउंट आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर होगा तो वो अमाउंट क्या हो जाती है बेटा एक्समट अंडर सेक्शन टेन टेन डी याद आ रहा है क्या लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट होगा तो एग्जम्ट होगा इफ नॉट एग्जम्ट इफ नॉट एग्जम्ट तो याद होगा तो ये कैपिटल गेन के अंदर में कवर हो जाएगा सेक्शन टू फोर्टीन एल आई पी और यूलिप स्पेसिफिकली याद आ रहा है यूलिप स्पेसिफिकली अच्छा जी सर अब इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है ध्यान से सुनना अब ये इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है अगेंस्ट द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स अगेंस्ट द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स तो ऐसे केस में क्या किया गया है इस पे कैपिटल गेन लगाया गया है अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव वन ए सो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल रहा है अगेंस्ट द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट तो इसके ऊपर लगाया गया है क्या बेटा फोर्टी फाइव वन ए सो अगर यह असेट डाइट्रक्शन हुआ है इसके ऊपर लगाया गया 45, 1, A. Right? अच्छा, एक समझ नहीं आया. पे का क्या लॉजिक है सर लॉजिक ये है कि इंश्योरेंस कंपनसेशन अगेंस्ट द कैपिटल असेट मिल रहा है अगर असेट रिलिंक्विशमेंट होकर के भी कोई अमाउंट मिलती है तो इसे ट्रांसफर माना गया है समझ में आ रही बात इस लॉजिक से दूसरा इसके पीछे व्याना सिल्क मिल का एक केस था जिसको नलीफाई करके क्या किया गया था इस पर टैक्स लगाया गया था खैर अभी वो केस लॉ कोई काम का नहीं है आपने सिर्फ ये समझना है कि अगर आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है अगेंस्ट द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असैट अगेंस्ट द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल तो ये अमाउंट टैक्सेबल अंडर ऑफ कैपिटल गेन ठीक है अब दो बातें होंगी अब क्या होंगी बेटा दो बातें होंगी पहला सर वेयर द कैपिटल असेट इज डिस्ट्रोय बाई फ्लड टाइफून अर्थक्वेक सिविल वॉर एक्शन ऑफ एनिमी then द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल सोचिए मेरा असेट डिस्ट्रॉय हुआ दो बातें होंगी कंपनसेशन मिला कंपनसेशन नहीं मिला एवरीबॉडी कंपनसेशन मिला कंपनसेशन नहीं मिला अगर कंपनसेशन नहीं मिला तो और जब कंपनसेशन मिला ही नहीं तो ये प्योर डेड लॉस हुआ अगर कंपनसेशन मिला ही नहीं अगर कंपनसेशन मिला ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा बेटा तो प्योर डेड लॉस सर डेड लॉस का मतलब जब भी कोई लॉस आता है हम इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं डेड लॉस बोल दिया मतलब देर इज नो कैरी फॉरवर्ड डेड लॉस बोल दिया मतलब देर इज नो कैरी फॉरवर्ड समझ में आ रही बात सभी को दूसरी बात अगर कंपनसेशन मिला अगर कंपनसेशन मिला तो हो सकता है ये depreciable asset के अगेंस्ट में हो या ये नॉन डेप्रीसीबल अट के अगेंस्ट में हो दोनों में से किसी भी के अगेंस्ट में हो सकता है डेप्रीसीबल अट के अगेंस्ट में मिला तो जो भी अमाउंट रिसीव हुई उस साल टैक्सेबल दैट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ना कि जिस साल असेंट डिस्ट्रॉय हुआ यही तो एक्सेप्शन है जनरली कैपिटल गेन अराइज इन द ईयर इन विच द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड लेकिन इंश्योरेंस के केस में ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला समझ में आ रही बात एंड डेप्रिसिएबल एसेट के केस में हम डब्ल्यू डीवी माइनस करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन मिलता है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता और डेप्रिसिएबल एसेट सेल करने पे नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या रहेगा शॉर्ट टर्म क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा सो डीमिंग फिक्शन लगा करके क्या किया जाता है अगर डेप्रीसीबल एसेट सेल हो रहा है तो इस पर नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या माना जाएगा शॉर्ट टर्म क्लियर है मालिक अच्छा जी इस पर नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या माना जाएगा बोलो बेटा शॉर्ट टर्म क्लियर है प्रभु आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे यही अगर नॉन डेप्रिसिएबल अट है यही अगर क्या है नॉन डेप्रिसिएबल अट है टैक्सेबल अगेन इन द ईयर ऑफ रिसीट जितना अमाउंट डिसाइड हुआ था उतना लेकिन इंडेक्सेशन ओनली अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन ही मिलेगा इंडेक्सेशन ओनली अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन ही मिलेगा चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सपोज कर लीजिए सपोज कर लीजिए कि कोई अगर स्टिकी नोट होगा या कुछ होगा और लिखने की इच्छा होगी तो लगा देना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ध्यान से सुनना राइट पचस्टिकी नोट होगी इफ एनी तो आप लगा सकते हैं नंबर वन मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल समझिए मान लीजिए हमने कोई कैपिटल असेट एक्वायर किया था इन द ईयर टू बराबर है ये कैपिटल असेट क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया इन द ईयर टू बराबर है तीसरा हमें जो कॉम्पनसेशन मिला क्योंकि आप सोचिए आपका असेट डिस्ट्रॉय हो गया फ्लड टाइफ अर्थक्वेक में फिर आप अपने आप को संभले अपने परिवार को संभाला फिर इंश्योरेंस क्लेम डाला इंश्योरेंस क्लेम भी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि डाला और मिल गया यस yes, वो भी तो रिजल्ट की तरह वेट करवाता है क्या बोला बेटा मैंने वो भी तो रिजल्ट की तरह वेट करवाता है तो उसने भी वेट करवाया प्रभु अब वेट करवाने के बाद हमें कॉम्पनसेशन मिला 2022 हमें कब कॉम्पनसेशन मिला 2022 अब मेरे कुछ सवाल है पहला कैपिटल गेन कब टैक्सेबल है चलो लॉ पढ़ के बताओ कैपिटल गेन कब टैक्सेबल है 22 23 प्रीवियस ईयर एवरीबॉडी जिस साल कॉम्पनसेशन मिला दैट इज ईयर ऑफ बोलो बेटा ईयर ऑफ शन जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल क्लियर है ये हुआ आपका पहला जवाब दूसरा जवाब इंडेक्सेशन कहां तक के मिलेगा इंडेक्सेशन कहां तक के मिलेगा बोलो जल्दी 2019-20 तक का ही इंडेक्सेशन मिलेगा तो आपको नहीं लगता इंडेक्स फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अब देखो मैं एक वन बाय सिक्स फॉर्मूला दे रहा हूं अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसा फालतू बात मेरी मार्केटिंग टीम ने बोलने बोला एक इंडेक्स फॉर्मूला दे रहा हूं वन बाय सिक्स पेन रोको सुन लो मजा आए तो समझना हम इंडेक्स करते वक्त जो छह फॉर्मूले हमने पढ़े छह नहीं पांच फॉर्मूले जो हमने पढ़े इसको अगर मैं एक फॉर्मूले में डाल सकता हूं देखिए कैसे या तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगा या तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लूंगा या फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा डू यू अग्री यही सिचुएशन पॉसिबल और कोई पॉसिबल नहीं है बराबर है इन टू सी आई आई फॉर द ईयर ऑफ क्योंकि ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही ईयर ऑफ ट्रांसफर माना जा रहा है सो सी आई आई फॉर द ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने एग्जाम्पल में कौन से डिवाइडेड तो हंड्रेड लूंगा इफ दायर टू थाउजेंड वन या तो सी आई आई फॉर द ऑफ एक्विजिशन लूंगा या तो सी आई आई फॉर द ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी एससी प्लस मंजूल कुछ समझा के मैंने क्या बोला तो आपको नहीं लगता ये याद रखने की जगह अगर एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपने याद रख लिया तो आपका काम होता Basic है कॉस्ट मतलब तीन ही चीज हो सकती है या फेयर मार्केट वैल्यू लॉजिक क्लियर है इन टू सी आई आई फॉर दर ऑफ डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रॉय हुआ ट्रांसफर तो उसी साल किया जा रहा है अरे हा ना यस तीसरा डिवाइडेड बाई सठ दो हजार एक से पहले होगा तो हंड्रेड या तो सी आई एफ और दर ऑफ एक्विजिशन गिफ्ट विल इन रिटर्न में मिला होगा तो सी आई एर दर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय बायस प्लस मंजू इफ एनी प्लस मंजू इफ एनी सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया लिख लो जल्दी जल्दी जी अच्छा चलिए अब कुछ बातें मेरे को और पूछनी है अगर आप अग्री करें तो सर मान लीजिए इस डिस्ट्रक्शन में क्योंकि मेरा बिजनेस डिस्ट्रक्ट हो रहा है इस डिस्ट्रक्शन में अगर स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ और स्टॉक के अगेंस्ट में भी कंपनसेशन मिला अब बताइए ये पीजीबीपी पेमेंट टैक्सेबल या कैपिटल गेन में टैक्सेबल कहां टैक्सेबल होगा पीजीबीपी या कैपिटल गेन पीजीबीपी या कैपिटल गेन पीजीबीपी So, अगर यही स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ एंड स्टॉक के अगेंस्ट में कंपनसेशन मिला सो कंपनसेशन अगेंस्ट स्टॉक कहां जाएगा पीजी बीपी सॉटरडे मालिक अच्छा जी सर डन है तो ये एक्सेप्शन नहीं हुआ कि देख लीजिए सेक्शन 45 फाइव को सेक्शन 45 फाइव क्या कहता था जिस साल कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ उस साल कैपिटल गेन अराइज होगा यहां असेट ट्रांसफर तो 2019 में हुआ एंड कैपिटल गेन इज अराइजिंग इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सेक्शन 45 फाइव जनरल प्रोविजन्स एंड दैट्स वाई दीज आर स्पेशल है ब्रो चलो जी चलो जी जैसा कि आप सब जानते हैं मजा तो तब तो आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे सीएस, यस आओ बेटा करिये थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फोर्टी फाइव वन ए पे बेस्ड है लेट्स सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पेज नंबर टेन ऑफ मॉड्यूल यस, दैट इज योर क्वेश्चन बैंक चलो बेटा लेट्स स्टार्ट ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन द बिजनेस हिस्टॉक एंड मशीनरी वे डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड एक्सीडेंट यस तो वो कौन है है द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस डैमेज वॉज सिक्स लैक फिफ्टी थाउजेंड सर्टन पोर्शन ऑफ मशीनरी कुड बी सैलविज द ओपनिंग डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक वॉज टेन तो भैया कुछ मशीनरी है जिसका ओपनिंग डब्ल्यू दिया है टेन अब तक का चीज बस इतना है ये सब बातें घुमाने के लिए दी है आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग द मशीनरी एंड फायर फाइटिंग ऑपरेशन मिस्टर ए लॉस्ट इज गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग दो चीज और चले फायर फाइटिंग प्रोसेस में ही डायमंडोर फॉर वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज आइटम इज वन एट्टी एक मिनट मार्केट वैल्यू का कोई काम है नहीं इस कैपिटल गेन में पर प्रॉब्लम में दी है बुलाती है मगर जाने का नहीं अब आते हैं काम की चीज रिसीव क्या हुआ होती है ना कई बार इंपॉर्टेंट बात सीधी नहीं करते घुमा के की जाती है तो इन्होंने भी बस वही किया और फाइनल में आप ये जनरल मान के चलो कि आपके सीधी बात की नहीं जाएगी आपको आज्ञा ही घुमा के दिया जाएगा पहली चीज क्या मिली लॉस अगेंस्ट द स्टॉक के अगेंस्ट में फोर लाख एटी थाउजेंड क्या कहना चाहेंगे कैपिटल गेन या पीजीबीपी पीजीबीपी एक्सेप्ट कर लिया दूसरा टूवर्ड्स डैमेज ऑफ मशीनरी टूवर्ड्स द डैमेज ऑफ मशीनरी सोच के देखिए असेट का ओपनिंग डब्ल्यू डीवी था टेन लैक एटी थाउजेंड और सेल हुआ सिक्स लाख में अज्यूम कर ले कि ब्लॉक में सिर्फ ये एक ही है है अज्यूम भी कर ले कि ब्लॉक में सिर्फ एक ही क्योंकि बाकी की डिटेल्स दी नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं सेल वैल्यू सिक्स लाख लेस डेप्रिसिएबल डेप्रीसीबल है मतलब डब्ल्यू डीवी माइनस करेंगे टेन पॉइंट एट्टी लैख इफ आई एम नॉट रॉन्ग फोर पॉइंट एट्टी लैख रुपीज का लॉस है इस लॉस को मैं क्या ना मधु हाँ जी कौन सा डेड लॉस यही तो गलत है ना देवी जी आप हमने डेड लॉस तब बोला जब कॉम्पनसेशन मिला ही नहीं याद आया हाँ ऐसे टपली मारने का अब बताओ इस लॉस को मैं क्या ना मधु शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रो क्योंकि डेप्रिसिएबल असेट सेल करने पे या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा ऐसा धारा पचास बोल के मर गया समझ में आई बात तो, तो 4.80 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो सकता है तीसरा गोल्ड चेन और डायमंड रिंग जो डिस्ट्रॉय हुई थी उसके अगेंस्ट में भी वन मिल गए ये कौन से हेड में जाएगा ये कौन से हेड में जाएगा आईएफओएस परफेक्टली रॉन्ग गोल्ड इज अ कैपिटल असेट सेक्शन 214 गोल्ड इज अ कैपिटल असेट सेक्शन 214 और कैपिटल असेट के ट्रांसफर पे कोई अमाउंट भी आती है तो वो कहां जाना चाहिए कैपिटल गेन वन so एट्टी भी कहां जाएंगे कैपिटल गेन सो ये दो कैपिटल ये कैपिटल गेन में जाएगा इसका कैपिटल लॉस होगा और इसका पीजीपी पे में ट्रांसफर करना होगा समझ में आई बात यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रीफली कमेंट इतना बड़ा प्रॉब्लम दिया और करने को दिया थे यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली कमेंट यू डोंट नीड टू सॉल्व ब्रीफली कमेंट यस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑन अबाउट थ्री आइटम कर लेंगे सर आइए रजिस्टर में लिखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑफ मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑफ क्वेश्चन एयर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑफ क्वेश्चन एयर डन उसी के अंदर लिखिए पॉइंट नंबर ए कंपनसेशन अगेंस्ट स्टॉक कंपनसेशन अगेंस्ट स्टॉक any compensation received against the stock would be taxable under the head of pgvp would be taxable under the head of pgvp because Stock is. Because stock is. Not a capital asset. Stock is not a capital asset. Point number two. Compensation received against machine. Compensation received against machine. एनी कॉम्पनसेशन रिसीवड अगेंस्ट डेप्रिसिएबल असेट सर आपको कैसे पता चला असेट डेप्रीसिएबल असेट है डब्ल्यू डीवी दिया है हिडन एडजस्टमेंट है एनी कॉम्पनसेशन रिसीवड अगेंस्ट द डेप्रिसिएबल असेट

माइनस डब्ल्यू डीवी टेन लैक एटी थाउजेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फोर पॉइंट एट्टी डन ओके नीचे लिखो नोट वी एज्यूम इट वॉज द ओनली असेट इन द ब्लॉक एज्यूम इट वॉज द ओनली असेट इन द ब्लॉक डने मेरे दोस्त तीसरा कॉम्पनसेशन अगेंस्ट ज्वेलरी कॉम्पनसेशन अगेंस्ट ज्वेलरी उसके अंदर लिखे सिंस ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट सिंस ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड शेल बी टेक्सीबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन इज दिस डन चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पे आइए पेज नंबर थर्टी वन पेज नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन रीड एंड टेल मी योर ओपिनियन दिस क्वेश्चन हैज बीन लास्ट इन नवंबर टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन इन योर एग्जामिनेशन प्लीज बताइए क्या होगा इसका So, आप देख सकते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा लिए हमने हमने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठा लिए हमने हमारे क्वेश्चन के क्वेश्चन उठा लिए एक बात आप देखिए जहां जहां कॉन्सेप्ट है हमने वो सब खींच के लेके आ गए हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है प्लॉट सोल किया नया घर परचेस किया परचेस वाइफ के नाम पर कर लिया बताइए एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 मिलेगा क्या यही क्वेश्चन है कुछ याद आ रहा है डिस्कशन अपना दिस इज बेस्ड ऑन अ केस लॉ कमल वाला मैंने आपको केस लॉ बताया नहीं क्योंकि मैं आप जानते हैं मैंने क्लियर बोला केस लॉ और सेक्शन याद रखने का नहीं आप लिख सकते हो प्रिस्क्राइब एज मे बी प्रिस्क्राइब और इट मे बी हेल्ड खत्म काम बताइए मिलेगा नहीं मिलेगा जल्दी बोलो मिलेगा आंसर देख लो ऑडिट कर सकते हैं लेकिन हमने द इशू इन कंसिडरेशन इज वेदर एक्समिशन अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर एफ फिफ्टी फोर में मिल रहा है फिफ्टी फोर एफ में भी मिलेगा सेम कैन बी डिनाइड टू अंकित सेल प्रोसीड आर इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस बट द सेड हाउस इज परचेज इन द नेम ऑफ वाइफ एंड नॉट इन हिज नेम The issue came up in the case CIT vs Kamalwala, wherein it was observed that 54F require purchase or construction of property within the specified period. It does not require the residential property in the name of specified as Therefore, applying the rationale of Delhi High Court ruling. असेसिंग ऑफिसर इन डिनाइंग क्लेम ऑफ फिफ्टी फोर एफ इन देंड ऑफ टू रीजन दैट इन से आपका फॉर्मेटेड आंसर है इतना जितना हाईलाइट किया उतना भी लिख के आ गए तो काम खत्म है भाई साहब आपका जी चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक फोर्टी फाइव वन ए अलोंग इट्स प्रॉब्लम डन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल ट्रेड आ जाइए सेक्शन फोर्टी फाइव सब सेक्शन टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड चेक साहब कैपिटल असेट जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो यहां दो इनकम अराइज होती है पहला इनकम अराइज होता है पीजीबीपी दूसरा इनकम अराइज होता है कैपिटल गेन ऐसा कहता है सेक्शन फोर्टी फाइव सबसेक्शन टू जबकि स्टॉक इन ट्रेड जब कैपिटल असेट बनता है तो यहां पे सिर्फ पीजीबीपी अराइज होता है ऐसा कहता है सेक्शन 28 समझ में आ रही बात तो सेक्शन 28 पीजीबीपी कहता है जब स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट होगा तो ओनली पीजीबीपी इनकम जब कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगा राइट आपका 452 के तहत पीजीबीपी एज वेल एज कैपिटल गेन आराइज होगा यह बात क्लियर है सबको समझ में आ रही है हा ठीक है चलो <coughs> अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आर यू विथ मी आर यू विथ मी स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हुआ पीजीबीपी आराइज होगा फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा पीजीबीपी मान लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा बोलो जल्दी से पीजीबीपी यस yes? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सर अब ये कैपिटल असेट बन चुका है इन फ्यूचर जब सेल होगा इन फ्यूचर जब क्या होगा सेल व्हाट विल वी कंसिडर एस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन समझा आपको क्या हुआ देख स्टॉक इन ट्रेड को तूने कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया जिस साल कन्वर्ट हुआ उस साल वो पीजीबीपी इनकम माना जाएगा ऐसा कहता है सेक्शन 28 अब कैपिटल असेट बन गया कैपिटल असेट इन फ्यूचर कभी तो सेल होगा मालिक जब कैपिटल असेट इन फ्यूचर कभी तो सेल होगा तो मेरा सवाल यह है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़े जितने में इस कैपिटल असेट को एक्वायर किया था वो या जिस फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स कर दिया वो सो फेयर मार्केट वैल्यू टेकन फॉर सेक्शन ट्वेंटी एट समझ में आया हम पीजीबीपी से कैपिटल गेन से एंटर कर गए इट इज डन क्लियर है अब आइए इधर हम अब इस पर डिस्कशन कर रहे हैं हाल फिलहाल में ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बता के आ गया मैं एक जर्नल एंट्री पूछना चाहता हूं आप सबसे एक्जैक्टली वेन यू से कन्वर्ट कर रहे हैं वॉट एक्जैक्टली इज हैिंग कम ऑन आंसर मी जो आपके मन में आ रहा है वो आंसर कीजिए जब मैं कहता हूं मैंने कैपिटल को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया एक्जेक्टली वॉट इज हैिंग योर बराबर है यानी एक जर्नल एंट्री पास हो रही होगी ओनली जर्नल एंट्री पास हो रही होगी टेक्निकली जो असेट आपके थे वो आपके पास ही है इज इज नो नो सेल थर्ड पार्टी ओनली अ जर्नल एंट्री सो टेक्निकली इट्स अ फिक्शनल ट्रांसफर ट्रांसफर एंड नॉट एक्चुअल यस और नो अनलेस एन एंटिल दैट कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड तब तक कि ये एक्चुअल ट्रांसफर नहीं है ये सिर्फ फिक्शनल ट्रांसफर है देखिए जरा कैपिटल असेट गोल्ड मैंने उठाया गोल्ड की शॉप बनाई और उसके अंदर में इसको रख दिया सेक्शन 45 फाइव टू डीमिंग फिक्शन पे चल रहा है कि भैया इसे मैं क्या मानूंगा ट्रांसफर मानूंगा मैंने बोला ओके okay, मान ले पर ऐसा किया क्यों गया लेट्स गो बिहाइंड द बार्स ऐसा किया क्यों गया ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी क्योंकि लोग इतने तेजस्वी लोग थे भारत के लोग क्या करते थे किसी एसेट को जीवन भर कैपिटल एसेट बोल के होल्ड किया कैपिटल एसेट बना के बेचते तो ट्वेंटी परसेंट टैक्स आता ये एक जर्नल एंट्री पास करते सिंपल सी इसको स्टॉक बना देते अब स्टॉक बनाया मतलब पीजीबीपी पी आया पीजीबीपी पी में दुनिया भर के डिडक्शन क्लेम कर लेते दूसरी बात पीजीबीपी पी का टैक्सेबिलिटी नॉर्मल सलेबरेट तो लोग अपना टैक्स अवॉइड करने के लिए इस तरीके की हरकत किया करते थे एक सादी सी जनरल एंट्री को पास करके अपने टैक्स को 20-20 परसेंट से सेव कर लिया करते थे तब जाके गवर्नमेंट को समझ में आया ये लोग तो हमारे बेवकूफ बना रहा है तब गवर्नमेंट ने ये इंसर्ट करी। आया। Actually, है ही नहीं यू आर जस्ट मेकिंग एन अकाउंटिंग एंट्री वेर इन वेर इन बोलो ना बेटा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू अट अकाउंट आप जो भी असेट ट्रांसफर कर रहे हो आप इस तरह की, की हरकत कर रहे हो समझ में आ रही बात अच्छा अब दूसरी चीज यानी सोच के देखिए एक एग्जाम्पल आप सभी के सामने रख रहा हूं बाद में फॉर्मेट लिखेंगे मान लो मैंने क्या किया था कोई कैपिटल एक्वायर किया था इन 2015 ये कैपिटल को मैंने क्या कर दिया? कर दिया कन्वर्ट दिया इन 2021 और ये कन्वर्टेड स्टॉक जो है ये मैंने सेल किया इन 2022 बराबर है ये कन्वर्टेड स्टॉक मैंने सेल किया 2022 यू टेल मी कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा पीजीबीपी कौन से साल में आएगा चलो जल्दी जल्दी बताओ कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा पीजीबीपी कौन से साल में आएगा कैपिटल गेन कब आएगा कैपिटल गेन कब आएगा ट्वेंटी टू हाँ हाँ तो ईयर बोलो नहीं सब डिटेल तो दे दिया मैंने ईयर बोलो ट्वेंटी वन वेरी गुड और पीजीबीपी कब आएगा ट्वेंटी टू परफेक्टली रॉन्ग पूछो क्यों ही इज करेक्ट पूछो क्यों मैंने अभी आपको इसलिए सवाल पूछा था ये देखो कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड ये कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड पैसा मिला इट्स अ फिक्शनल ट्रांसफर जब पैसा मिला ही नहीं जेब से भरोगे क्या टैक्स

हो सकता है मेरे पास चार प्रॉपर्टी हो प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया प्रॉपर्टी शेयरिंग के बिजनेस में आ गया प्रॉपर्टी चारों बिकेगी बिकेगाइज प्रपोर्चुनेटली इफ प्रपोर्चुनेट स्टॉक इज सोल्ड समझ में आया क्या इस पे आपके मॉड्यूल में प्रॉब्लम हर्षिता नाम का आपके मॉड्यूल में एक हर्षिता नाम का इतना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर्षिता ब्यूटीफुल नहीं है प्रॉब्लम ब्यूटीफुल है समझ में आई बात सो प्रॉब्लम ये बहुत ब्यूटीफुल है हर्षिता नाम का बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है कन्वर्जन ऑफ पार्टली स्टॉक सोल्ड का देखिएगा जरूर पॉसिबल हुआ तो हम भी देखेंगे सुनना सो कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी बोथ विल अराइज बोथ विल अराइज व्हेन कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड और बोलना भाई पार्टली सोल्ड ठीक है अच्छा जी मुझे बता इंडेक्सेशन कहां तक का देगा इंडेक्सेशन ओनली अप टू 2021 क्योंकि एसेट तो यही कन्वर्ट मान लिया जा रहा है ये सो नो अच्छा जी सर एक और बात बताइए एक और बात बताइए टिंग टोंग इंडेक्स फॉर्मूला भी चेंज होगा क्या कोई अब को वन बाय फाइव फॉर्मूला बताएगा रिपीट करके या तो क्या लेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर या फेयर मार्केट वैल्यू इन टू सी आई आई फॉर कन्वर्जन यहां इयर ऑफ कन्वर्जन को ही ईयर ऑफ ट्रांसफर माना जा रहा है समझ में आ रही बात डिवाइडेड बाय या तो होगा हंड्रेड या तो होगा सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन या तो होगा सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय अस प्लस मंजू फेनी इंडेक्स फॉर्मूला ऐसे बदल जाएगा यस yes? अब मुझे एक और सवाल बताइए चलिए अब इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं मतलब टेक्निकली यू विल हैव टू इनकम फर्स्ट कैपिटल गेन एंड अनादर इज पीजीबीपी अग्री डिसअग्री अग्री चलो इधर सुनिए कैपिटल गेन में सबसे पहली चीज लगती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हेलो इधर देखो मालिक ये कैपिटल असेट था जिसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया मैंने व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन याद करो कंसिडरेशन दो तरीके से मिलता है सेक्शन 48 लगाओ या तो कैश या तो काइंड कैश में तो मिला नहीं तो लॉ क्या लेने बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू तो बस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ज्यूम किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन याद आएगा मालिक सेट ये सुनो करेक्ट इन इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस किए जाएंगे जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे आपके जवाब नहीं आ रहे जवाब दो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस किया जाएगा यहाँ पे नेट कंसिडरेशन आ जाएगा इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगा लेकिन इंडेक्स कब तक के दिया जाएगा ओनली अप टू द ईयर ऑफ बोलो ना कन्वर्जन ओनली अप टू द ऑफ कन्वर्जन से यस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये आ जाएगा अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन इसमें से एक्सम्स माइनस होना है वो हो जाएगा यस डू यू अग्री हाईलाइट करने वाला पॉइंट कौन सा ये फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बिकॉज इट्स नॉट एन एक्चुअल ट्रांसफर इट्स अ डीमिंग ट्रांसफर डीमिंग फिक्शन है जी भाई क्लियर है ओके okay. यस yes, अब पीजीबीपी पीजीबीपी जब भी ये सेल होगा इसका सेल वैल्यू बराबर है अब बताइए आपको नहीं लगता यही फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट कॉस्ट्यूम कर लिया जाएगा पीजीबीपी में टू अवॉइड डबल टैक्सेशन यस yes, फेयर मार्केट वैल्यू टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन नहीं तो डबल टैक्स हो जाता तो जितने पे पोर्शन पे आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है उतने पोर्शन को हटा दो वो आपको कॉस्ट मान लो बचा हुआ अमाउंट पीजीपीपी मान लो मेक सेंस हाँ जी डन चलो जी पक्का डन हो गया अब मेरे को आपसे एक सवाल है फिर एक सवाल चलो और डीप डाइव करते हैं सर मेरे को एक बात बताइए अगर हमें फिफ्टी फोर ईसी का एग्जामिशन चाहिए फिफ्टी फोर ईसी मतलब मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं ब्रो राइट अगर मेरे को फिफ्टी फोर ई का एग्जामिशन चाहिए तो आई हैव टू इन्वेस्ट विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इस एग्जाम्पल में चलते हैं जरा ट्रांसफर मैंने दो हजार इक्कीस में कर दिया कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी दो हजार बाईस तेईस में आएगा हाँ या ना आपने तो मेरा एग्जम्पशन ही छीन लिया क्योंकि डेट ऑफ ट्रांसफर तो 2021 है ब्रो डेट ऑफ ट्रांसफर तो 2021 है पर कैपिटल गेन का कंपटीशन तो 2022 में हो रहा इस चक्कर में तो मैं एग्जम्पशन ही नहीं ले पाऊंगा मतलब कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं अरे भाई तूने मेरे को बोला एग्जम्पशन ले ले मैं कहां से लूं 2021 में तुम ट्रांसफर बता रहे हो 2022 के अंदर में तुम कै कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी ला रहे हो मैं सिक्स मंथ्स कहां से काउंट करू बॉन्ड हैज़ टू बी इन्वेस्टेड विद इन सिक्स काउंट कहां से करू इसके पर्पज ऑफ टाइम लिमिट शेल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सेल द टाइम लिमिट शेल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सेल तो डेट ऑफ सेल से हम क्या करेंगे टाइम लिमिट माननेंगे दैट इज सिक्स मंथ्स समझ में आ रहा है सभी को ना इधर देख लीजिए बोथ इनकम विल अराइज वेन कन्वर्टेड स्टॉक इज अवेलेबल अप टू द ईयर ऑफ़ कन्वर्जन इफ एनी पार्ट ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड देन ओनली पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन विल अराइज सी हर शीता प्रॉब्लम इन मॉड्यूल स yes, of of इन केस कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ शेल बी कैल्कुलेटेड फ्राम द डेट ऑफ सेल ऑफ टॉक इसके ऊपर है मैंने केसलॉ का नाम हटा दिया सीधा सीधा आपके लिए पॉइंट रखा ये सो नो सो दो इनकम आराइज होगी पहला पीजीबीपी दूसरा कैपिटल गेन फॉर्मेट देख लीजिए सेम फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया है सेम फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया यहां पर लिखा है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन टू कैपिटल सेट शैल बी चार्ज अंड ऑफ पी जी बी पी क्लियर ब्रो हाँ अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन एयर भी आपके नियर है उठाओ लो क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ड ट्वाइस एट सी ए फाइनल वंस एट सी एस एग्जीक्यूटिव ट्वाइस एट सी इंटर, एंड वंस इन सी एम ए विद डिफरेंट फिगर्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर करंट मॉड्यूल ऑल्सो सॉल्व करो एस्टिमेटेड टाइम चार मिनट रजिस्टर में जाओ लिखो क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन एयर बेस्ड ऑन फोर्टी फाइव टू क्या कहते हैं सर आप बताइए जल्दी दो मिनट का ही क्वेश्चन है करूं सॉल्व करू सॉल्व क्वेश्चन को देख करके सीधा बोल दू पीजीबीपी थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज पीजीबीपी बराबर उसके बाद में फोर्टी फाइव टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एटी थाउजेंड इन थ्री वन सेवन समझ में आया क्या थ्री वन सेवन क्यू कन्वर्जन 2122 बाईस में हुआ है डिवाइडेड बाय बोलो ना ब्रो चार पांच वन वन थ्री सो योर सेवन फाइव फाइव सेवन फाइव आ रहा है लीजिए कैपिटल गेन सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव सेवेंटी फाइव पीजीबीपी ट्वेंटी फाइव दैट्स हाउ इट इज टू बी मेड इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम एक्चुअली बट सिर्फ आपको कॉन्टेंट समझाने के लिए दउवर्स यस इसमें आप दो तीन चीजें ऐड कर देंगे फालतू की हिस्ट्री ऐड कर देंगे जिसका कोई काम नहीं होगा कॉन्टेंट इतना ही है उसमें यस और नो चलिए सो आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाओ मालिक कम डायरेक्टली टू 45 फाइव टू ए फोर्टी फाइव बी मैंने पेंडिंग रखा आगे देखेंगे कम डायरेक्टली टू 45 फाइव टू ए कम डायरेक्टली टू 45 फाइव टू ए ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाई डिपोजिटरी नाउ दिस कंसेप्ट इज ना दिस कंसेप्ट इज बेटा दिस कंसेप्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू बाय अ शेयर नाउ अंडरस्टैंड अब शेयर्स जब बाय करते हैं तो एक्चुअली वर्क कैसे होता है कंपनी अपने सारे शेयर्स किसके नाम पर करती है डिपॉजिटरी के नाम पर करती है और आप क्या करते हो डिपोजिटरी एजेंट से शेयर बाय करते हो सो एक्चुअल ओनर कौन दिखता है डिपॉजिटरी और आप दिखते हो बेनिफिशियल ओनर मेक सेंस आई थिंक आपने लॉ में भी पड़ा हुआ होगा अब इस ये पूरा प्रोविजन बेस्ड है दैट कि भैया आपकी जो सिक्योरिटी है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा बेनिफिशियल ओनर हु ट्रांसफर द सिक्योरिटी पहला पॉइंट ये कहता है कि इट इज नॉट द ओनर दैट इज डिपोजिटरी हु इज लाइबल टू टैक्स वेन शेयर इज ट्रांसफर्ड इट इज द बेनिफिशियल ओनर हु इज लाइबल टू टैक्स विच मेक्स सेंस अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है जरा समझिए ये प्रोविजन को तब लाया गया था जब डीमैट्स पिक्चर में आए थे जब कहा आए थे डीमैट्स पिक्चर में आए थे एंड देन इट बिकेम अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर प्रोविजन अब हुआ क्या समझिए सपोज कर लीजिए एक व्यक्ति है जिनने तब से ट्रेडिंग चालू की जब से फिजिकल शेयर चल रहे हैं जब से क्या चल रहे हैं फिजिकल शेयर चल रहे हैं इमेजिन कीजिए और इस प्रोविजन को बड़े आसान शब्दों में समझिए राइट तो इन्होंने क्या किया रिलायंस के कुछ शेयर्स लेट्स टेक ले द कंपनी रिलायंस रिलायंस के कुछ शेयर लिए फिजिकल फॉर्म के अंदर में लिए राइट इन लेट्स से अप्रेल टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन तब तक के डिमेट आ चुका था एक हाइपोथेटिकल बेसिस लेते हैं इसके बाद में इन्होंने फिर रिलायंस परचेज किया अगेन फिजिकल फॉर्म में किया इन द ईयर अप्रैल 2016 फिर इन्होंने रिलायंस लिया फिर इन्होंने रिलायंस लिया अगेन फिजिकल फॉर्म में लिया इन द ईयर अप्रैल 2017 देन इन 2018 इन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन किया बराबर फिर रिलायंस के शेयर लिए नाउ दे टेकन इन डीमैट फॉर्म इन द अप्रैल एंड 2018 बराबर इसके बाद में दे कन्वर्टेड द शेयर्स एक्वायर्ड इन अप्रैल 2017 इन डीमैट बराबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दे सोल्ड द शेयर नाउ द क्वेश्चन इज जब भी सेल होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो बाई डिफॉल्ट में निकल जाएगा बरेबर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे पकड़े यहां उन्होंने फिजिकल के बेसिस पकड़े या जब डीमैट में क्रेडिट हो उस बेसिस पे पकड़े क्योंकि सोचिए आज भी जब शेयर्स लेता है कोई बंदा ये शेयर्स अलग अलग प्राइस पे लेता है अलग अलग टाइम पे लेता है बराबर है बट सेल करते वक्त हो सकता है वो एक साथ सेल कर दे आर कम्स अ क्वेश्चन फीफो बेसिस पे जाए या लीफो बेसिस पे जाए कॉस्ट कॉस्टर्टेनमेंट के लिए यस yes? तो उन्होंने कहा आप फीफो बेसिस पे जाइए फीफो बेसिस जब क्या हुए है डीमैट में क्रेडिट हुए है रादर देन आपने जब बाय किए तो फीफो बेसिस पे जाना होगा जब डीमैट में क्रेडिट किए तो यहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा अप्रैल 2018 वाले शेयर्स को इवन दो इसके पहले शेयर्स बाय किए होंगे तो भी सेक्शन फोर्टी फाइव टू ए कहता है क्रेडिट हुए वो कॉस्ट के लिए बेसिस बनेगा सेकेंड क्या कंसिडर करोगे सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी इनको एंड अकॉर्डिंगली फिर देन जो सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में से डीमार्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो वाली समझ में आ रहा है सभी को तो बस ये पूरी चीज क्या कह रहा है यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे डिस्कस नहीं कर रहे कैपिटल गेन कैसे निकलेगा उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हम बस यहां पर यह डिस्कस कर रहे हैं कि फीफो मेथड लेंगे फिफो मेथड भी कौन सी लेंगे कॉस्ट के लिए जो डीमैट में क्रेडिट हुई होगी वो रादर देन जो फिजिकल फॉर्म में ली होगी वो खत्म कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर डीमैट फॉर्म सिक्योरिटी इज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म शेल बी डेल्ट सेपरेटली फिजिकल सिक्योरिटी बाई की आपने सेल करी नॉर्मल कैपिटल गेन जैसे निकालते हो वैसे निकालोगे वहां पे फीफो का कोई काम नहीं है बाई डिफॉल्ट में डेट्स आ जाती है डीमेट के केस में हो सकता है कुछ लोग रिमेटेरियलाइज से डिमेटेलाइज करें तब तो उस केस में आप फीफो मेथड कंसिडर करोगे दैट्स इट बाकी कैपिटल गेन जैसे निकलता है बिल्कुल वैसे निकलेगा खत्म काम इज दट डन चलिए सेक्शन 45 फाइव सेक्शन थ्री सेक्शन फोर्टी फाइव सेक्शन थ्री ट्रांसफर बाय पार्टनर टू मेंबर, ट्रांसफर बाय पार्टनर और मेंबर टू द फर्म और एओपी पी द सेक्शन अप्लाइज टू फर्म एज वेल एज बोथ एओपी बी आई समझिएगा साहब हाउ लिखना नहीं कुछ सेक्शन फोर्टी फाइव थ्री वर्क जब भी कोई पार्टनर होता है लेट से विजय ने क्या किया एकत्वम एकेडमी के अंदर में कोई कैपिटल असेट क्या किया बेटा ट्रांसफर किया ठीक है सो so, ने कैपिटल अट ट्रांसफर किया एकत्वम एकेडमी के अंदर में एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं और असेट ट्रांसफर कर रहे हैं इसका जनरल एंट्री ओनली एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ही लिया जाता है यह सुनो मैक्सिमम तौर पर तो भी एटलीस्ट अब मुझे एक बात बताइए जर्नल एंट्री क्या पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एक बात सोच के देखिए आपको नहीं लगता विजय ने अपना राइट right लिंक कर दिया अब राइट ऑफ पार्टनर से हटके ये असेट किसका असेट बन गया फर्म अरे एवरीबॉडी असेट किसका बन गया फर्म पार्टनर्स असेट इज डिफरेंट एंड फर्म्स असैट इज डिफरेंट जब पार्टनर ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करके फर्म को दे दिया देर इज अ रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर कैपिटल गेन किसको अराइज होगा पार्टनर को होगा होगा क्यों क्योंकि इसके बदले में उन्होंने राइट इन पार्टनरशिप लिए सो नो तो कैपिटल गेन यहां आर किसको हो रहा है विजय को अराइज हो रहा है कैपिटल गेन यहां किसको हो रहा है बोलो जल्दी से विजय को अराइज हो रहा है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू सर कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़े क्योंकि देखो ये कैपिटल मैंने ट्रांसफर किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका वैल्यू मेरे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में रिकॉर्ड हुआ पंद्रह लाख जबकि इसका फेयर मार्केट वैल्यू था सेवेंटीन लाख अब बताइए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाए और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था टेन लैख्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़े सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ जवाब आ जाएगा पार्टनर ने दस लाख में एक्वायर किया फर्म को ट्रांसफर कर दिया फर्म में कैपिटल रिकॉर्ड हुआ पंद्रह और जबकि मार्केट में इसका वैल्यू था सत्रह अब बताइए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ेंगे सेवनटीन सेवनटीन 17 अरे एवरीबडी बिल्कुल सही जवाब नहीं है जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है उतना आपके कंसिडरेशन हम कितना लेंगे जितना बुक में वैल्यू कंसिडर किया गया है फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे यहां पे यही प्रोविजन है व्हाट यू विल टेक इज द अमाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म Which is in the year of इसका फेयर मार्केट वैल्यू अवॉइड करना क्योंकि मेरे कैपिटल अकाउंट में जितना रिकॉर्ड हुआ मिला अगर ऐसा न करके फेयर मार्केट वैल्यू को टैक्स कर देते तुरंत वो आदमी क्या कर देता ऑब्जेक्ट कर देता वो बोलता आप सत्रह बोल रहे हो पर मेरे कैपिटल अकाउंट में तो पंद्रह ही रिकॉर्ड हुआ है मेरे लिए तो ट्रांसफर की कीमत पंद्रह लाख रुपये ही है अरे ब्रो मेरे लिए तो ट्रांसफर की कीमत फिफ्टीन लाख रुपये इसीलिए ट एवर द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स वो कंसिडर किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू क्या किया जाता है अवॉइड किया, किया जाता है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को क्या किया जाता है अवॉइड किया जाता है खत्म बाकी कैपिटल गेन जैसे कंप्य होता है वैसे ही होगा इन देंड ऑफ पार्टनर सो कैपिटल गेन कहा राइज हो रहा है इन हैंड्स ऑफ बोलो ना बेटा पार्टनर आपको नहीं लगता कंपलसरी एक्विजिशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया यस आइए सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव ए रजिस्टर्ड रिडेवलपमेंट अग्रीमेंट अब तक मैंने दो सेक्शन पे डीलिंग नहीं करी फोर्टी फाइव वन बी विच टॉक्स अबाउट यूलिप यस एंड सेक्शन फोर्टी फाइव फोर विच टॉक्स अबाउट डिजोल्यूशन मैंने अभी इन पे बात नहीं करी इनको मैंने एंड के लिए रखा है बिकॉज दे गॉट अमेंडमेंट तो इन दोनों को मैंने एंड में रखा है कैपिटल गेन के क्योंकि इसके अंदर में अमेंडमेंट है हम पहले बाकी का पूरा प्रोविजन निपटाएंगे 46, 47 में निपटा देंगे सिर्फ इन दोनों को पेंडिंग रखेंगे क्योंकि इनको अलग से करना है इंपॉर्टेंट है और इसलिए सबसे एंड में करेंगे समझ में आ रही बात क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन इन दोनों में से किसी भी चीज़ पे आएगा तो कैपिटल गेन का एंड ही है वैसे ही हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए एंड में देखेंगे इस चीज़ को सेंसिबल है चलिए आता हूं फोर्टी फाइव ए उन दो चीजों को छोड़ दिया तो लास्ट ट्रांजेक्शन सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन स्लम सेल डिजोल्यूशन और यूलिप ये, है। है? ये तीनों नए पॉइंट है और तीनों पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है समझ में आ रही बात तो पहले आज बचावा पूरा डिस्कशन खत्म करेंगे और उसके बाद कल प्रोबेबली तीनों को डिस्कस करेंगे चलो आ जाओ फोर्टी फाइव फाइव ए रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो ठीक है इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रहा हूं कॉन्सेप्ट समझना रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट नो वट इज दिस कंसेप्ट स्टैंड फॉर अगर आप देखेंगे शहर के बीचों बीच एग्जैक्टली exactly जगह ही नहीं बची है आप अपने शहर की बात कर लीजिए जगह बची नहीं है यस yes, अब जितने भी लोग हैं शहर के वो रहना तो बीच में चाहते हैं पर जगह बची नहीं है यहां पे ओल्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं मुंबई की अगर बात करूं तो चौल होगा दिल्ली की अगर बात करूं तो कोई ना कोई झुकी झोपड़ी होगी राइट अब यहां पे स्पेस तो है नहीं अब क्या करता है मान लीजिए जैसे कोई एक व्यक्ति है बाबू भैया बाबू भाई की चाल बराबर है आप सभी ने एम श्योर हेरा फेरी जरूर देखी होगी ये बाबू भाई की चाल है एक बाबू भाई मस्त तेल में फ्राई करके की तरह बाबू भाई का हाँ बाबू भाई का चश्मा ना अब बाबू भाई के, के केस में सपोज यहां आ जाता है जयकांत जयकांत ही इज अ बिल्डर व्हाट इज बिल्डर गो टू सोसाइटी और उनको बोलता है एक ऑफर ऑफर देता है टू रीडेवलप ऑफर क्या देता है टू रीडेवलप रीजन ये जो चौल होगी बहुत पुरानी होगी दूसरा रीजन ये सिटी के बीच में होगी तीसरा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वो कहीं और ढूंढने जाएगा तो उसको मिलेगी नहीं यहां उसको मिल जाती है समझ में ही बात बदले में ये बोलता है ऑफर करूंगा रिडेवलपमेंट को बाबू भाई बोलते हैं भैया मेरा क्या फायदा ये करके मेरे ये को तो मस्त तेल में पाए करके खाने का है मेरे को क्या करने का है मस्त दो नल लगाएंगे बाबू भाई यह सुनो हल्की हल्की लाइफ रखिए इतना टेंशन मत लीजिए डीटी आसान सब्जेक्ट है लेंदी बहुत है सर दोनों बातें कर रहे हो आप मालूम मेरे को और कोई ऑप्शन है मेरे पास राइट <laughs> right? so, सर सर ध्यान से सुनिएगा तो ये बिल्डर जाता है इन लोगों के पास इनको बोलता है मैं रीडेवलपमेंट करूंगा बाकी सब छोड़िए सर प्रेस्टीज के सामने ब्लू टेन लगाए सेम कंसेप्ट समझ में आ रही बात तो बिल्डर आता है बिल्डर बोलता है भैया यहाँ पे जितनी झोपड़ी थी सब हटाओ मैं यहाँ पे आपको नया डेवलपमेंट करके देता हूँ बाबू भाई बोलते मेरा क्या फायदा मेरे यहाँ दो किराएदार है उनका क्या फायदा ये बोलता है सर देखो सबसे पहली बात मुझे आपकी चौल गिरानी पड़ेगी यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तब तक के लिए मैं आपको मनी दूंगा ये टेक्निकली होगा आपका रेंट कहीं और जाके बसने के लिए इधर मेरे सर पे नहीं खड़े रहने का मैं पैसा दूंगा जब तक के प्रॉपर्टी पूरी नहीं बन जाती तब तक के बाहर जाके रहने का रेंट मेरे तरफ से एक रेंट अग्रीड कर लिया जाता है कि मैं इतना दूंगा ज्यादा चाहिए तुम तुम्हारा पैसा डाल दो कम हो रहा है तुम रख लो मेरे को फायदा मेरे को टेंशन नहीं बिल्डर इतनी छोटी चीजों में नहीं पड़ता बिल्डर बोलता मेरे हिसाब से बीस पर मंथ ले ले तेरे को जिधर जाके रहना है रह मैं जब तक के रिडेवलप कर रहा हूं अग्रीमेंट में लिखा जाता है रीडेवलपमेंट तीन साल लगेंगे पांच साल लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ प्रॉपर्टी क्या बना रहा है इसके साथ साथ इसके साथ साथ मैं तेरे काइंड में कंसिडरेशन दूंगा काइंड में कंसिडरेशन क्या होता है काइंड में कंसिडरेशन होता है तेरा वन बी अग्री के था तो टू बी के लिए

यहां पे आपने तीन फ्लोर बनाए थे सपोज और इन तीन फ्लोर के अंदर में लगभग यू नो ले दे करके बारह से पंद्रह लोग रह रहे होंगे एक फ्लोर पे तीन से चार लोग को भी कंसिडर किया तो राइट बिल्डर जो नई प्रॉपर्टी बनाएगा लॉजिकली उसने एक फ्लोर पे तीन घर भी निकाला तो चार फ्लोर में तो गेम खत्म हो गया तीन फ्लोर चार फ्लोर पांच फ्लोर में गेम खत्म हो गया डिपेंडिंग अपॉन वो क्या कमिटमेंट कर रहा ऊपर का पूरा माला उसका दूसरी बात अब जब वो बनाएगा तो नीचे दुकान सेल पे लगाएगा अब जब वो बनाएगा तो दुकान गाय पे लगाएगा सेल पे लगाएगा उसका वहां दूसरा फायदा हो गया तीसरा पार्किंग बेचेगा समझ मारी दूसरा दिखा करके प्रॉपर्टी को हैवी रेट कर देगा क्योंकि पुराने गेम बिल्डर so का फायदा ये बिल्डर के लिए इनकम पीजीबीपी जयकांत के लिए इनकम पीजीबीपी क्लियर है और ये देने का जितना खर्चा है वो एक्सपेंसेस बोल के क्लेम करेगा अंडर ऑफ पीजीबीपी क्योंकि उसके लिए तो बिजनेस एक्सपेंसेस है राइट right? अब आते हैं जिनको रीडेवलपमेंट में सारी चीजें मिल रही है तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो कि कंटेंट ही पहली बार पढ़ रहे हो आपको इतना डीप नहीं ना मतलब ये डेप्थनेस आपको पता थी ना हाँ ऐसे देख रहे हो जैसे मेरे पीछे वो <laughs> चलो जी अब रीडेवलपमेंट में टेक्निकली आपको दो चीजें मिली एक मनी कंसीडरेशन मिलता है और दूसरा काइंड में कंसीडरेशन मिलता है बराबर है जयकांत ने बाबू भाई को ये दिया पहला सवाल बाबू भाई के हाथ में टैक्सेबल है यस yes, टैक्सेबल अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव ए सर क्यों वही अपने राइट ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सचेंज इज ऑल्सो लाइबल टू तो कैपिटल गेन सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव रीड विद सेक्शन टू सबसे तो आप एक्सचेंज कर रहे हो ऑल्सो लाइबल टू तो कैपिटल गेन अपना पुराना चीज दे करके नया चीज ले रहे हो पॉइंट वन तो कैपिटल गेन कैसे निकलता फोर्टी फाइव फाइव ए में कवर्ड है एक सवाल बताइए जयकांत बाबू भाई को कोई अमाउंट दे रहा है यह अमाउंट बाबू भाई के हाथ में टैक्सेबल है विल देयर बी टीडीएस सर आप ले देखे टीडीएस पे क्यों आ जाते हो अरे टीडीएस उतना इंपॉर्टेंट है ब्रो बोल विल देर बी टीडीएस यस कौन से सेक्शन में वो नहीं मान देखो सर टीडीएस होना चाहिए क्योंकि हमारे को ना एक फंडा समझ में आ गया है टीडीएस हर चीज पे है तो हां बोल देने का 194 194 फोर आई ए तो मेरा दोस्त कह रहा है 194 नाइन्टी फोर आई ए में टीडियस डिडक्ट होगा गलत आप परचेस कर नहीं रहे हो इट्स जस्ट एन एक्सचेंज एंड वन नाइन्टी फोर आई ए तभी लगता है जब परचेस हो तो ये रिजेक्ट हुआ वन नाइन्टी फोर ए सवाल ही नहीं उठता देर इज नो कंपल्सरी एक्विजीशन आता है चाय पिलाओगे चाय पिलाओगे जल्दी बोलो चाय पिलाओगे ना हाँ तो भैया टी डी एस लगता है, 194 IC. ऐसा कुछ है? है।, है, है, है चम्मी कपूर लो वन नाइन्टी फोर आई सी टी डी एस ऑन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अंडर द डेवलपर्स अग्रीमेंट विच इज कवर्ड अंडर भी सेक्शन था, हाँ. था कोई भी पर्सन रेसिडेंट को दे रहा है कंसिडरेशन नॉट इन काइंड अंडर अग्रीमेंट ऑफ सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव ए क्योंकि काइंड के केस में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकल सकती ना तो जो मनी कंसिडरेशन दिया जा रहा है टीडीएस उस कंपोनेंट पे हो सकता है एट द रेट ऑफ टेन परसेंट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच अमाउंट यस आया कहा है सर यह पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन पे है विल देयर बी टी डी एस बिल्कुल सर देयर विल बी टी डी एस कौन सेक्शन में वन नाइनटी फोर आई सी वन नाइन्टी फोर आई सी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट बना लो भैया ये बना के रख दो बाकी प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं सिर्फ ड्राफ्ट बना के रख दो कि हाउ इट वर्क्स। अब जो मनी प्लस काइंड कंसिडरेशन दे रहे हो इसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं बाकी एवरीथिंग रिमेंस रिमेन सेम Is this done? Say yes or no? जी चलो अससी बीइंग इंडिविजुअल हु एंटर इनटू स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द ईयर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड ये टैक्सेबिलिटी किस साल में होती है जिस साल में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है जिस साल में क्या मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जिस साल में क्या मिलता है बोलो जल्दी से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सर क्यों मैंने प्रॉपर्टी 2019 में ट्रांसफर कर दी 2022 में, में को of 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 तो मेरे को मिला दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ ऑफ बिल्डिंग ऑफ होल और पार्ट ऑफ माय बिल्डिंग तभी तो जाकर के मेरे को बेनिफिट मिला ना एक्सचेंज में 2019 में तो सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो ऐसे केस में जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीस आता है उस साल टैक्सेबल होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ोगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर प्लस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश मनी कंसिडरेशन और जो काइंड में मिल रहा है उसका स्टैंडर्ड ड्यूटी वैल्यू बाकी पूरा एज इट इज अच्छा मुझे बताइए इसको एक बार पूछा है मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूं कि ये फाइनल में पूछा है सीए या सी में फाइनल में पूछा है बट दोनों में से किसी एक में पूछा है लेट मी फिगर दउट ट्राई करता हूं हुआ तो ठीक है कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो कॉन्सेप्ट यह है कि 2019 में वी मेड एन अग्रीमेंट रजिस्टर्ड डेवलपमेंट अग्रीमेंट वेयर बाय बिल्डर अग्रीड की 2023 तक पोजीशन दे दूंगा बराबर कई बार क्या होता है ऐसे केस में बिल्डर को समझ में आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा बन रहा है और इसकी डिमांड भी अच्छी आ रही है तो बिल्डर क्या करता है पहले अग्रीमेंट कर लेता है लोगों को इन कर लिया प्रॉपर्टी डेवलप करना शुरू कर दिया इसके बाद बिल्डर क्या करता है धीरे धीरे एक एक आदमी को पकड़ता है उसको बोलता है क्यों मगजमारी में पड़ रहे हो दो है 2023 में बनेगा वो सच्चा आज का भाव है कुछ समझ करके दो पांच लाख रुपए इधर उधर करके जो चाहिए आप ले लो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो बिल्डर को क्या फायदा होगा बिल्डर को ही फायदा होगा क्योंकि एक इन्वेंट्री बच गई उसकी किसी का ओल्ड लेके न्यू दे रहा है आप ये तो सोचो वो तो उसको ल्यूक्रेटिव ऑफर दे गई आज दो पांच लाख रुपए इधर ज्यादा भी दे दिया एक एम्यूनिटी के चक्कर में आदमी पांच लाख रुपए उधर एक्स्ट्रा बढ़ा देता है मेरे बात समझिएगा एक एमटी एक्स्ट्रा डालेगा और वहां प्राइस बढ़ा देगा आज कोई भी व्यक्ति आप भी जब अपना पहला नया घर लेंगे यस बहुत जल्द लेंगे इस बात का मेरे को पूरा भरोसा है जब आप अपना पहला नया घर बुक करोगे टेक्निकली तुम क्या करोगे तुम बोलोगे देख भाई अपन ढेरे प्रोफेशनल सुबह जाएंगे रात में आएंगे उसमें भी जब तक शादी नहीं होती तब तक के कभी आएंगे क्या पता पर घर तो चाहिए बराबर है आप बोलोगे घर कैसा चाहिए मेरे को मम्मी पापा वहां पे सीनियर सिटीजन के साथ बैठ करके मम्मी का पंचायती कंटिन्यू रहना चाहिए गली में क्या हुआ बात समझना पप्पा का दुनियादारी चालू रहना चाहिए उधर बराबर है छोटे भाई बहन है जो गरीब अपने छोटे भाई बहन नहीं है जब भी को देखो मांगते रहते गरीब आदमी लोग ठीक है ये आएंगे इनका मन लगा रहना चाहिए सोसाइटी में अब बात समझना राइट आपको क्या चाहिए लॉजिकली ये सब एंगेज रहने चाहिए आपका फ्यूचर में जाकर के जब भी बच्चा होगा वो बच्चे के लिए प्लेइंग एरिया चाहिए स्विमिंग पूल चाहिए आप तो उधर जाने से रहे मैं मेरी सोसाइटी में आज तक नहीं गया स्विमिंग पूल में पर खरीदते वक्त मैंने ये सब दुनियादारी देखी थी स्विमिंग पूल है क्या ये है क्या गार्डन है क्या घूमने के लिए अपन इसमें से कुछ भी नहीं यूज़ करते पर घर वाले तो यूज़ करते ना ब्रो यार कोई जब तुम्हारे घर में आएगा तो ओ भाई सो सो ये बन गया ये तो दुनियादारी है ही ना इस चक्कर में हां इस चक्कर में अंडरस्टैंड करना बिल्डर ने गेम कर दिया इधर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा करके बिल्डर क्या करता 2019 में अग्रीमेंट करता 2023 में प्रॉपर्टी बनके मिलेगी ये बीच में ही चल जाता 2021-22 में बोलता में ये भैया क्यों पड़े हो लफड़े में कोई नहीं है चक्कर में आ जाओ तुम ही दे दो लगता है दो पाँच रुपये दो पाँच लाख रुपये मार्केट वैल्यू से ऊपर ले लो बिल्डर को फर्क नहीं पड़ता इतने छोटे अमाउंट से मेरे बात समझिएगा बोलता पाँच लाख रुपये एक्स्ट्रा ले लो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करो खत्म करो जब तुम्हारा असेट बचा ही नहीं ये मेरा असट है अब कब कंप्लीट होता क्या होगा कब मरेंगे इस कब आएंगे आंसू तुम दे के खत्म करो आज ही ऐसे केस में अब सोचना रजिस्टर्ड रजिस्टर्डमेंट एग्रीमेंट पहले ही हो गया पोजेशन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन बाद में आने वाला है लेकिन आपने राइट्स पहले ट्रांसफर कर दिए कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन या जिस साल राइट ट्रांसफर कर रहा मेक सेंस जनरल रूल उस साल साल कैपिटल गेन आएगा जिस सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल रहा है लेकिन अगर उससे पहले ही राइट ट्रांसफर हो गए तो कैपिटल गेन विल अराइज इन द ईयर वैन राइट आर ट्रांसफर्ड

हाँ जी भाई जी डन चलिए यहां लिख के रखिए ऑल्सो रीड ऑल्सो रीड 194 नाइन्टी फोर वन सी वन नाइन्टी आई सी डन है सर जी आ जाते हैं कैपिटल गेन हाँ जी भाई जी ध्यान से सुनिए मैं तीन स्पेशल ट्रांजेक्शन को एंड में ले रहा हूं जो मैंने अभी नहीं कंसिडर किए फोर्टी फाइव वन बी दैट इज यूलिप के केस में कैसे निकलेगा फोर्टी फाइव फोर डिजोल्यूशन में कैसा होगा एंड फिफ्टी बी स्लम सेल हम पहले यहां से निकल के फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन करके फिर इन ट्रांजेक्शन में एंटर करेंगे ठीक है ध्यान से सुनो अगर आप देखेंगे सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट देखो एक बार क्या पढ़ा हमने सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट चार्जिंग सेक्शन 214 ट्रांसफर 247 बोलो बेटा 247 कैपिटल असेट ट्रांसफर इसके बाद में सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इसके बाद में फर्स्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो थर्ड प्रोविजो फोर्थ प्रोविजो फिफ्थ प्रोविजो सिक्स प्रोविजो सेवन अब तक सिक्स नहीं पड़ा ठीक है

फोर्टी फाइव फाइव ए रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट याद आ रहा है मालिक मालिकॉर्टी नाइन एंड फिफ्टी फाइव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी फाइव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिफ्टी वन फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस फिफ्टी वन फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस यस इसके बाद में फिफ्टी सी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फिफ्टी सी इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर फिफ्टी फोर घर बेचो घर खरीदो फिफ्टी फोर बी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज करो फिफ्टी फोर बी लैंड एंड फिफ्टी फोर डी लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल परपज के लिए थी बदले में लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल परपज के लिए वो लो फिफ्टी फोर ई सी आपको बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बेचो बदले में बॉन्ड खरीदो फिफ्टी फोर एफ कुछ भी बेचो घर खरीदो फिफ्टी फोर जी अर्बन से उठो रूरल में जाओ फिफ्टी फोर जी कहीं से भी उठो एस सी जेड में जाओ इसके बाद में फिफ्टी फोर ई ई नोटिफाइड सिक्योरिटी परचेज करो टेन थर्टी फोर ए बाय ऑफ शेयर अगर होगा तो कैपिटल गेन एक्सम है टेन फोर्टी थ्री रिवर्स मॉडगे स्कीम टेन थर्टी सेवन

है ना लगते वक्त ऐसा लग रहा कैपिटल गेन ही चल रहा कैपिटल गेन ही चल रहा क्योंकि पिछले चार दिन से हम कैपिटल गेन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं यस yes, पिछले चार सेशन हमने कैपिटल गेन पे इन्वेस्ट किए हैं पर ऐसा लग रहा है अरे खत्म ही नहीं होता जीवन में वो अभी भी बहुत कुछ बाकी है क्या बाकी है पेंडिंग बताता हूं आपको 46 47 क्योंकि पूरी लिस्ट में यही दो ही चीज बाकी है इसके बाद में 50 बी 45 फाइव वन बी यस इसके बाद में आपका फोर्टी फाइव फोर नाइन बी इतने अभी भी आपके बाकी है जिनमें से सबसे बड़ा ये है अभी तक जितना पड़ा ना उतनी लंबी तो लिस्ट है यहां पे समझ में ही बात तो आपको इंस्टीट्यूट बना रहा है बेहतरीन आदमी जो दस बोल करके पचास सेक्शन पढ़े वही असली सी है बराबर है क्लाइंट को बोले फीस दस रुपए उसके बाद में ये तो अकाउंटिंग चार्जेस है ना ये तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चार्जेस है ये इसके ऊपर का जीएसटी है बुक कीपिंग अलग से और बाद में बिल पचास का बने समझ में रही बात दैट्स स्ट्रेटेजी चलो लेटस गो टू सेक्शन फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स टॉक्स अबाउट लिक्विडेशन 46 टॉक्स अबाउट लिक्विडेशन अगर कोई कंपनी है ये कंपनी कहा है बेटा लिक्विडेशन में ये कंपनी कहा है बेटा लिक्विडेशन में और ये क्या कर देती है कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर कर देती है टू होम टू शेयर होल्डर लेटस अंडरस्टैंड द होल ट्रीटमेंट ठीक है लिक्विडेशन रजिस्टर में बनाइए हम आगे चल के टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन भी पड़ेंगे हम आगे चल के टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन भी पढ़ेंगे डन बेटा लेट अस अंडरस्टैंड कंपनी जब लिक्विडेशन में होती है कंपनी क्या कर रही है अपना कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रही है कंपनी अगर अपना कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रही है तो क्या इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था क्योंकि ये रिलिंक्विशमेंट है सेक्शन फोर्टी सिक्स वन कहता है इट इज नॉट अ ट्रांसफर अगर ये ट्रांसफर ही नहीं है तो फिर कैपिटल गेन नहीं आ सकता लिक्विडेशन के केस में कंपनी को छूट दी गई है ये सुनो, हां या ना बराबर दी सिक्स वन अब सुनिए अगर कंपनी कैपिटल ऐसे ट्रांसफर कर देती है शेयर होल्डर को शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेगी मतलब वो उसके शेयर लेकर के एक्सटिंग्विश कर देगी बराबर तो है यानी कैपिटल गेन तो शेयर होल्डर के हाथ में बेराइज होना चाहिए क्योंकि उसके शेयर एक्सटिंग्विश होकर उसको एक्सचेंज में क्या मिल रहा है अमाउंट मिल रहा है बराबर है लेकिन उसके पहले देर इज अ सेक्शन सेक्शन टू सी डीम डिविडेंट अगर लिक्विडेशन में कभी भी शेयर होल्डर को कोई एसेट मिलता है अगर यू नो लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को कोई एसेट मिलता है तो ये क्या माना जाता है डीम्ड डिविडेंट माना जाता है सर डीम्ड डिविडेंट कितना माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डीम डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रुपीज तक का अमाउंट डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा बराबर है अच्छा जी वेट सिर्फ इतना ही नहीं होता एक और चीज होती है टेक्निकली शेयर होल्डर के हाथ में भी तो एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है अरे ब्रो शेयर होल्डर के हाथ में भी तो एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है उसके शेयर जाके उसको बदले में कुछ मिल रहा है वट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस डीम डिविडेंट अंडर सेक्शन टू ट्वेंटी टू सी अरे एवरीबडी डबल टैक्सेशन थोड़ी न होगा ब्रो डू यू अग्री और ऐसा टी सिक्स टू कहता है समझ में आया? एग्जैक्टली exactly कौन क्या कर रहा है इससे सिंपल भाषा में कहीं मिल रहा हो तो प्लीज देख ले

अब असेट कितने का मिला टेन लैक्स माइनस एट लैख तुमने आई एफ ओ एस में टैक्स किया बिंग डिम डिविडेंट टू लैख रुपीज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किधर माना जाएगा कैपिटल गेन बाकी इसमें से आप जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके आप क्या निकालोगे कैपिटल गेन एज द केस में सो शेयर होल्डर के हाथ में यहां पे दो ट्रीटमेंट है जितना कैपिटल से ट्रांसफर किया अप टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डीम डिविडेंट माना जाएगा बियॉन्ड अमाउंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट की जाएगी फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन हम शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल शेयर होल्डर के हाथ में अरे एवरीबाडी समझ में आया ब्रो खत्म सिक्स वन फोर्टी सिक्स टू सेक्शन हो और आइए देखते हैं क्या लिखा है कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट शेयर होल्डर अपॉन इट लिक्विडेशन सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब कंपनी में हो लिक्विडेशन सच डिस्ट्रीब्यूशन शेल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन फोर्टी फाइव ट्रांसफर ही नहीं तो कैपिटल गेन ही नहीं दूसरा वेयर फॉर द पर्पज ऑफ शेयर होल्डर शेयर होल्डर रिसीव ऑन लिक्विडेशन एनी मनी और अदर असट शेल बी टैक्सेबल अंडर डेड ऑफ कैपिटल गेन अ मनी सो रिसीव्ड एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंसिडर अंडर टू ट्वेंटी टू सी जितना मनी आपको रिसीव किया या माइनस जितना अमाउंट डिविडेंड में टैक्स कर दिया उतना मान लिया जाता है खत्म सिक्स वन फोर्टी सिक्स टू एप्लीकेबल तभी जब क्या हुआ होगा लिक्विडेशन ये नो चलिए डू यू नीड ए ब्रेक नो ओके ब्रेक नो ओके okay. चाहिए नहीं चाहिए जल्दी बोलो नहीं चाहिए ना चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं क्यों सुनाई आ रहा है मेरे को एक घंटा हुआ है यार अभी साढ़े छः को तो चालू किया था हमने कितनी देर हो गई डेढ़ घंटा हो गया देख रहे हो समय देखा जा रहा है है ना ओ चाय पिलानी है चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद जल्दी से आ जाओ ठीक है ब्रेक विल मीट एट एट कितना हो रहा है एट एट हो रहा है एट ट्वेंटी तक ठीक है बारह मिनट का ब्रेक दैट्स ओके okay. जल्दी से बारह मिनट के ब्रेक में वापस आ जाइए सो so, मैंने कल मेरे ऑफिस का एक छोटा सा ऐसी मोटिवेशनल टाइप वीडियो था कि मैं मेरे दोस्तों की तरह लाइफ नहीं जी सकता वाला मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अचानक से वायरल टाइप्स हो जाएगा इट हैज़ गॉड राइट नाउ 77 के व्यूज हाँ नहीं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाला मैंने बट मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था इंस्टाग्राम पे क्योंकि मेरे मैं सुबेरे ओपन कर रहा था इंस्टाग्राम तो इट वाज 35.3 के जो ये थे फॉलोअर्स एंड अचानक अभी खोल करके देखा इट्स थर्टी के मैंने बोला ये क्या चल रहा है तो जाके मैंने अंदर देखा वो पर मिनट या पर सेकेंड में हंड्रेड व्यूज से बढ़ रहा है अचानक से मतलब मैं अभी जब ब्रेक लिया तो वो सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन पे था अभी सेवेंटी सिक्स पॉइंट नाइन पे हजार व्यूज पंद्रह मिनट में वो क्रॉस कर गया है अच्छी बात है वायरल होना चलिए शुरुआत करते हैं ये लोग पार्टी पार्टी शार्टी वाली बातें कर रहे हैं मेरे से चाय हाँ हाँ कल संडे कल कर सकते डन कल संडे कल कर सकते यस yes. चलिए जी ऐश्वर्या कह रही है सर अभी तक के मेरा रिफंड नहीं आया आपने फ्री फास्ट ट्रैक अनाउंस किया था डोंट वरी बेटा हमने पहले ही पंद्रह से बीस बोला था क्योंकि मुझे प्राउड होता है ये कहते हुए कि फास्ट ट्रैक इंटर का जब मैंने चालू किया था अराउंड एट फिफ्टी टू लोगों को हम लोगों ने पैसे ले कर रिफंड दिया है और ये प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन एंड फाइनल में जिस टाइम फास्ट ट्रैक चालू कर रहा था दैट वॉज अराउंड फोर हंड्रेड थर्टी टू ऐसा कुछ तो रफली था और तो इतने लोगों को भी रिफंड हम लोगों ने दिया एंड पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक फ्री कर दिया सो दैट्स द प्रोसेस गोइंग ऑन एंड यू विल गेट इट डोंट वरी यस ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं तो उस तो रखे भी क्या करेंगे है ना चलो जी हाँ अब आते हैं हम हम थोड़े से ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 47 47 देखिए याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है टू सबसेक्शन फोर्टी सेवन टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ओनली फोर्टी सेवन टॉक्स अबाउट नॉट अ ट्रांसफर मतलब हम अब वो ट्रांजेक्शन पढ़े जा रहे हैं जो ट्रांसफर ही नहीं है और बेटे अगर वो ट्रांसफर ही नहीं है तो लॉजिकली उस पर कैपिटल गेन टैक्स आता नहीं है ये yes? तो अब हम ऐसे ट्रांजेक्शन ले रहे हैं पहली बात ऐसे ट्रांजेक्शन लाइक क्यों गए आई मीन वॉट इज द मोटिव पहला कुछ ट्रांजेक्शन पर सरकार टैक्स नहीं लेना चाहती थी कुछ टैक्स न्यूट्रल्स करना चाहती थी मतलब कुछ ट्रांजेक्शन जैसे अमल कमीशन हो गए इनको टैक्स न्यूट्रल बनाना चाहती थी कि भैया ना शेयर होल्डर को टैक्स लगे ना कंपनी को टैक्स लगे होप यू आर गेटिंग दिस यस तो ऐसे केसेस के अंदर में कई ट्रांजेक्शन एंटर किए अब ये लिस्ट जो है ये हर साल बढ़ाई जाती है एक या एटलीस्ट दो आइटम से और ये लिस्ट बहुत बड़ी है हालांकि इसमें से सिलेक्टिव चीजें पढ़ी जाए ये ज्यादा बेटर है ठीक है सबसे पहले आता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ पेज नंबर 15 अगर कोई कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एच तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ एच इन द हैंड्स ऑफ एच यू को टैक्स न्यूट्रल करने के लिए ये लाया गया नॉट सो इंपॉर्टेंट यस सेक्शन 47 सेवन मार्केट एज इंपॉर्टेंट मार्केट इज इंपॉर्टेंट ट्रांसफर अंडर गिफ्ट िल और इन रिवोकेबल ट्रस्ट आपको याद होगा तो हमने ये ऑलरेडी किया है यस yes? अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है जो गिफ्ट दे रहा है इसके हाथ में नो कैपिटल गेन जो रिसीव कर रहा है उसके हाथ में फिफ्टी सिक्स टू टेन आ सकता है याद आ रहेगा सो so ये उस पॉइंट पे बेस्ड है अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये कनेक्टेड है सिक्स प्रोविजो से जिसके लिए मैंने आपका सिक्स प्रोविजो रोक रखा था बेसिकली अगर आप समझेंगे मुझे और बहुत सारे ऑथर्स को यह लगता है कि यह जो प्रोविजन डाला है ना सेकेंड पैराग्राफ यह गलत है मुझे भी लगता है और बहुत सारे ऑथर्स को भी यह लगता है बट प्रोविजन हाल फिलहाल में इस तरह से ही दी हुई है अब जरा ध्यान से सुनिए कंपनी जब ईशॉप e एम्प्लॉय को देगी याद करके देखिए एंप्लॉय के हाथ में तो यह सैलरी हो जाता है कंपनी जब ई e सॉप्स देगी याद होगा तो हमने जो ड्राइंग थी उसमें बना के भी रखा था एक स्पेस भी खाली छोड़ा था कि इसको कहीं यूज करेंगे कंपनी जब ईसोप्स देती है कंपनी ने क्या किया कंपनी ने अपने ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट करी टेक्निकली रिजर्व कम करके और आपको क्या प्रोवाइड कर दिया शेयर्स प्रोवाइड कर दिए राइट नाउ अगर कंपनी ईसोप्स ऑप्शन देती है फॉर इन एडिकुएट कंसिडरेशन द प्रोविजन अप्लाई ओनली वेन द कंसिडरेशन इज नॉट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉ मतलब कंपनी फ्री में क्या कर देती है शेयर होल्डर्स को क्या उठा के दे देती है शेयर्स बींग एम्प्लॉय शेयर होल्डर बींग एन एम्प्लॉय तो अगर कंपनी एम्प्लॉय को क्या कर देती है इन एडिकुएट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन में आपके ई सॉप्स उठा के दे देती है कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स आएगा अब इसके पीछे का लॉजिक उनने आज तक कभी बताया ही नहीं कि ऐसा क्यों होगा भाई ऐसा क्यों होगा हाँ जब कुछ दिमाग लगाया तो समझ आया कि सर ऐसे होने के कुछ परसेंट की पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी नंबर पहली कि हो सकता है कि वो जो शेयर दिए जा रहे हों अगेंस्ट क्या हो कंपनी एक्विजिशन हो क्योंकि जब कंपनी एक्विजिशन कोने जाता है और इसको हम होस्टाइल टेक ओवर भी कहते हैं अगर कोई होस्टाइल टेक ओवर करने जाता है तो कंपनी क्या कर देती फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर देती राइट right? दूसरा रीजन हो सकता है कि टैक्स अवॉइडेंस का कोई मेथड हो जैसे कुछ कंपनी के केस में था तो उन्होंने बोला कि भैया हम इसको क्या कर देंगे टैक्स सो प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज चैल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट ऑफ कैपिटल बींग शेयर डिवेंचर्स वॉर अलॉटेड बाय अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉई अंडर द ईस ऑप्शन प्लान तो अगर आपने क्या कर दिया गिफ्ट कर दिया तो अगर कंपनी क्या कर रही है गिफ्ट कर रही है क्या गिफ्ट कर रही है साहब ई सब गिफ्ट कर रही है किसको गिफ्ट कर रही है अपने एम्प्लॉय को तो कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स आएगा कैपिटल गेन टैक्स निकालने के लिए व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा है सिक्स प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी में अब समझ में आया इसका लिंक क्या है राइट सो कंपनी अगर गिफ्ट कर देती है ईसॉप कंपनी अगर गिफ्ट कर देती है ईसॉप किस को गिफ्ट कर देती है एम्प्लॉई को गिफ्ट कर देती है तो कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सिक्स प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी के अंदर में लिखा है सिक्स प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी के अंदर में लिखा है यस yes? चलो जी आ जाओ अब चलते हैं सिक्स प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी पे पेज नंबर सिक्स वे आर ट्रांसफर्ड अंडर द गिफ्ट विल और रिवोकेबल ट्रस्ट द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सच वैल्यूटर शैल टू बी फुल वैल्यू ऑफ यानी उस केस में क्या कर दिया जाएगा मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू यस नो राइट नीचे वाला पार्ट आपसे आज तक कभी पूछा नहीं ना कभी पूछेगा इसका फर्स्ट वाला पार्ट याद रखना कोई भी व्यक्ति किसी को कोई कैपिटल से ट्रांसफर कर रहा है बिंग गिफ्ट विल या इरिवोकेबल ट्रस्ट के अंदर में इट इज नॉट रिगार्ड एज ट्रांसफर नॉट लाइवल टू कैपिटल गेन क्लियर है मालिक चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं <coughs> सर अमलगमेशन अमल कमीशन को टैक्स न्यूट्रल बनाया है। हम टैक्सेशन ऑफ अमल कमीशन में भी जाएंगे सेम पार्ट पे वापस रिपीटेड है तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था तो सर ध्यान से सुनना राइट right? दो कंपनी शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड बिकेम एसके लिमिटेड नाउ अंडरस्टैंड द होल ट्रांजेक्शन ठीक है अमल गमेशन सेम डी मर्जर पे भी अप्लाई होता है इसका उल्टा कर देना ठीक है इनको हम कहते हैं अमल गमेटिंग कंपनी इसको हम कहते हैं अमल कंपनी किसको व्हाट विल बी शीला लिमिटेड टिंग या टेड दिस कंपनीज आर कॉल्ड कंपनी दीज आर कॉल्ड एज अमल कंपनी याद आ रहा है मालिक आपको फिर कुछ शेयर होल्डर्स होंगे शेयर होल्डर्स का नाम रख देते हैं कांचा सो शीला लिमिटेड किजवानी सर नेम शिला सारा सब कुछ ट्रांसफर कर देगा ऑल कैपिटल बिकॉज वन ऑफ द कंडीशन इन अमल एन लाइब्रेरीज आर ट्रांसफर्ड यानी यहां तो रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट हो रहा है इस पर कैपिटल के इंटेक्स आना चाहिए था तो साहब बोला गया है कि शीला लिमिटेड जब भी कैपिटल असट ट्रांसफर कर रही है देर विल नो कैपिटल गेन यस yes? में आया सो देर विल नो कैपिटल गेन ऐसा कहता है सेक्शन 47. इनका ट्रांजेक्शन समझ में आ गया तो अमल गमेटिंग कंपनी जब भी अमल गमेटेड कंपनी को ऐसे ट्रांसफर कर रही है इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन प्रोवाइडेड एसके लिमिटेड कौन होनी चाहिए इंडियन कंपनी प्रोवाइडेड एसके लिमिटेड कौन होनी चाहिए इंडियन शुड बी क्लियर है अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कैपिटल गेन पार्ट समझ में आ गया अमलिटिंग टू अमलिड दूसरा पार्ट अब आपसे पूछ रहा हूं मैं जा रहा हूं आई एफ ओ एस चैप्टर में एसके लिमिटेड को तो असट मिल गया विदाउट कंसिडरेशन क्या एसके के हाथ में गिफ्ट टैक्सीबल होगा हाँ या ना हाँ या ना एंड आंसर इज करेक्ट देर विल बी नो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट ऐसा कहता है 56 सिक्स टू टेन के एक्सेप्शन अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे आई एफ ओ एस तो आई एफ ओ एस में लिस्ट ऑफ एग्जामेशन दिया गया है कि कौन कौन से आइटम गिफ्ट बोल के टैक्स नहीं होते जैसे गिफ्ट टू रिलेटिव एटसेट्रा एटसेट्रा उसमें एक और क्लॉज है सेक्शन 47 का वो कहता है ऐसे ट्रांजैक्शन क्या नहीं माने जाते गिफ्ट में टैक्सेबिलिटी नहीं मानी जाती यानी जो दे रहा है उसके हाथ में टैक्स न्यूट्रल कर दिया जो ले रहा है उसके हाथ में टैक्स न्यूट्रल कर दिया अब तीसरा आता है शेयर होल्डर अब सोच के देखिए शेयर होल्डर ने कांचाने शिला के शेयर होल्ड करके रखे थे कांचा ने शीला के शेयर होल्ड करके रखे थे अब जब अमल का मिशन होगा ही विल गेट शेयर ऑफ एसके लिमिटेड इन लू ऑफ शीला लिमिटेड हा ना इसके हाथ में क्या एक्सचेंज हो गया इसके हाथ में एक्सचेंज हो गया ये yes नो no? क्या इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था इसको भी टैक्स न्यूट्रल करने के लिए सेक्शन 47 में बोला नोट कैपिटल गेन समझ में तो तो ट्रांसफर कर रही है उस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं उसपे भी कोई कैपिटल गेन नहीं जिसको असेट मिल रहा है उस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं जिसका एक्सचेंज हो रहा है उसके हाथ में भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं getting it or not so आइए एक एक चीज देखते हैं एनी ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमल गमिशन ऑफ कैपिटल एसेट टू दमल गमिटेड कंपनी इफ अमल गमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी इफ अमल गमिटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी क्लियर है दूसरा दूसरा आई बी एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर ऑफ कैपिटल सेट बाई डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी प्रोवाइडेड रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी क्लियर है हम्म, सिक्स सी डी एनी ट्रांसफर इश्यू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी इनकी ऑफ डी मर्जर टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी इन ट्रांसफर और इश्यू मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डी मर्जर शेयर होल्डर के हाथ में आ रहा है वो भी क्या बेटा एग्जाम इसी के नीचे एनी ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर इनकीम ऑफ अमल गमेशन हेल्ड बाई हिम एन अमल गमेटिंग कंपनी इफ ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन फॉर अलॉटमेंट टू हिम एनी शेयर इन अमल गमेटेड कंपनी मतलब एसके अमल कमिटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी दैट इज एसके चारों पार्ट समझ में आए अमल गमीशन डीमर्जर के एक ट्रांजैक्शन पकड़ो चारों चीजें क्लियर होगी आपकी इज डन चलो आओ ये था अमल गमीशन डिमर्जर जो इंडिया में हो रहा है उसके रिलेटेड यस yes. अब आते हैं हम लोग होल्डिंग टू सब्सिड्री एंड सब्सिड्री टू होल्डिंग होल्डिंग टू सब्सिड्री सब्सिड्री टू होल्डिंग सर होल्डिंग अगर क्या करता है बेटा होल्डिंग अगर अपने सब्सिडरी को कोई कैपिटल से ट्रांसफर कर रहा है ये सब्सिडरी कैसी होनी चाहिए इंडियन कंपनी होनी चाहिए और ये सब्सिडरी कैसी होनी चाहिए हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी होनी चाहिए पॉइंट टू बी नोटेड हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी का रिलेशन तो पचास परसेंट पर ही शुरू हो जाता है भाई जी सब्सिडरी का रिलेशन तो पचास परसेंट पर ही शुरू हो जाता है ये तब एप्लीकेबल है जब होल्डिंग ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को दिया दे डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी एंड सब्सिडरी तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है सेक्शन फोर्टी सेवन कहता है होल्डिंग कंपनी के हाथ में देर इज नो कैपिटल गेन एट द टाइम टाइम सब्सिडरी को तो गिफ्ट में मिल रहा है क्या इनके हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल है एंड द आंसर इज नो ये चीज

हंड्रेड परसेंट होल्डिंग कंपनी क्लियर है आइए इधर देख लेते हैं लो जी पेज नंबर इस पे आओ फिफ्टीन पे एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स बाय कंपनी टू तो इट्स सब्सिडरी इफ पेरेंट कंपनी इज होल्डिंग हंड्रेड परसेंट शेयर्स एंड इट इज एन इंडियन कंपनी ठीक उसी के नीचे सब्सिडरी कंपनी टू तो होल्डिंग कंपनी वाई वर्सा वर्षा ट्रांजेक्शन क्लियर है मालिक चलिए अभी तक आपने अमल गमीशन ऑफ इंडियन कंपनीज देखा डी मर्जर ऑफ इंडियन कंपनीज देखा सेम चीज फॉरेन कंपनी के लिए भी किया है मान लीजिए फॉरेन कंपनी अनादर फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज होती है लेकिन इसमें ट्रांसफर इंडियन कंपनी के शेयर्स होते हैं तो सिंस शेयर्स आर सिचुएटेड इन इंडिया इनकम विल डीम टू अक्रूर इन इंडिया इस पर कैपिटल टैक्स आना चाहिए था लेकिन अगेन फॉरेन अमलगमेशन को भी टैक्स न्यूट्रल करने के लिए उन्होंने क्या किया कहा कि एक फॉरेन कंपनी अनादर फॉरेन कंपनी के साथ अमलगमेट होती है जिसमें इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर होते हैं यस इट विल नॉट बी रिगार्डेड एस ट्रांसफर प्रोवाइडेड टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड यह भी पूछते भी नहीं है पर आपको लिस्ट दी है आपको पढ़ना पड़ता है पेज नंबर फिफ्टीन देख लीजिए एनी ट्रांसफर इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन येस ऑफ शेयर हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी बाय अमल गेटेड फॉरन कंपनी टू अमल गमेटिंग फॉरन कंपनी टू अमल गेटेड फॉरन कंपनी इफ एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द शेयर होल्डर कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड फॉरन कंपनी पहली कंडीशन क्या है पहली कंडीशन आपको बोल रही है भैया एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द शेयर होल्डर क्या रहना चाहिए बेटा सेम दूसरा सच ट्रांसफर डज नॉट अट्रैक्ट एनी कैपिटल गेन इन द कंट्री इन विच अमल गमेटिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड जिस जिस कंट्री में अमल गमेटिंग कंपनी उसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं होना चाहिए तो ही हम भी क्या प्रोवाइड करेंगे एग्जम्पन नहीं तो हम एग्जाम्शन नहीं देंगे यस चलिए साहब ठीक इसी तरीके से सिक्स ए बी एनी ट्रांसफर इन अम ऑफ अमल गमेशन ऑफ कैपिटल असिट बींग शेयर ऑफ ए फॉरन कंपनी एक्सप्लेनेशन फाइव टू सेक्शन नाइन वन वन दोडाफोन इशू वोडाफोन में क्या किया गया था कंपनी को ट्रांसफर नहीं किया था उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दिए थे ये yes, कंपनी के थ्रू सेल अग्रीमेंट नहीं थ्रू शेयर डीलिंग क्या किया गया था लिया गया था तो उन्होंने कहा भैया डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अगर आप सब्सटैंशियली और होल्ली ट्रांसफर कर देते हैं इट विल नॉट बी रिगार्डेड एस ट्रांसफर प्रोवाइडेड 25 फाइव परसेंट ऑफ द शेयर होल्डर रिमेन द शेयर होल्डर ऑफ अमलिटेड फॉरन कंपनी एंड ट्रांसफर डज नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन इन द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनमें से कुछ भी पार्ट आपको पूछने नहीं वाला तो अब तक के अपन ने जितना पढ़ा इसमें से लॉजिकली एक ही चीज काम की है जिसको अपन ने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया यस yes? चलिए हाँ जी डिमर्ज ऑफ फॉरन कंपनी टू रिजल्टिंग फॉरन कंपनी एक फॉरन कंपनी डिमर्ज हो रही है अनादर फॉरन कंपनी क्रिएट हो रही है इस पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा प्रोवाइडेड एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग इन वैल्यू कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टेंट फॉरन कंपनी ट्रांसफर डज नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन एंड ऑल प्रोविजन ऑफ कंपनी शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहू इतने प्रोविजन याद नहीं रखने अमल गोलो अमलशन डी मर्जर इंडिया में फॉरन में इंक्लूडिंग देयर शेयर होल्डर सब एग्जाउंट ऐसे याद हाँ रख सकते हो अमल गमेशन हाथ देख नजरा अमल गमेशन डी मर्जर इंडिया में फॉरन में इंक्लूडिंग देयर शेयर होल्डर सब कैपिटल गेन से बाहर इतने प्रोविजन अब याद रखो मत रखो सब एक बराबर अब ये तो नॉर्मल कंपनीज के लिए था यू ऑल नो बैंकिंग कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय दी बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट उनके लिए सेपरेट प्रोविजन डालनी पड़ी उनके कहा कि वे अमल गमेटेड बैंकिंग यू नो बैंकिंग कंपनी अमल गमेटेड विदर बैंकिंग कंपनी इस पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा येस yes? इसका प्रोविजन यहां डाला देखिए फोर्टी सेवन सिक्स डबल ए एन ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमल गमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विद बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जब मर्ज हो जाती है यस yes, एग्जाम्पल दे सकते हो बैंकिंग कंपनी विद बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एच डी एफ सी बैंक टू एच डी एफ सी रिसेंटली है तो बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ भी मर्ज हो जाती है देर इज नो कैपिटल गेन एनी ट्रांसफर सिक्स सी एनी ट्रांसफर इन द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिड्यूसर कोऑपरेटिव बैंक बैंक यस कोऑपरेटिव बैंक का भी अगर इस तरीके का कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो भी क्या होता है कैपिटल गेन एक्साम होता है फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में इसमें अमेंडमेंट आया था कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक जो थी ये बैंकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाती थी जो कोऑपरेटिव बैंक थी ये में कन्वर्ट हो जाती थी बैंकिंग कंपनी तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कंपनी में कन्वर्ट होती थी तो ऐसे केस में क्या हो जाता था? जाता था कैपिटल गेन लग था इसको भी टैक्स न्यूट्रल कर दिया गया कि भैया आप अपना फॉर्मेशन चेंज कर रहे हो तो इसको भी टैक्स न्यूट्रल किया गया तब जाके और कन्वर्टेड बैंकिंग कंपनी लिखा सो so, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी इज कन्वर्टेड इंटू अ बैंकिंग कंपनी बिग डिफरेंस को ऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी में भी कन्वर्ट हो रहा है शेयर होल्डर्स को शेयर तो यह भी क्या किया गया है एग्जाम तो सीधे शब्दों में फॉरन में इंक्लूडिंग देयर शेयर होल्डर सब क्या किया गया है एग्जाम इतने प्रोविजन नहीं पड़ने हैं तो हां जी ठीक वोडाफोन केस ठीक वोडाफोन केस में अगर डीमर्जर भी होता है तो डीमर्जर की कंडीशन लगा करके क्या किया जा सकता है एग्जाम तो कमौनी आपको पूछते भी नहीं एक ओल्ड सिलेबस था जिसके अंदर में पूछा जाता था जहां टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल मत वेस्ट करो आ जाओ बेटा ये अब यहां पे ध्यान से सुनिए यहां आइए डायरेक्ट बॉन्ड और जीडीआर मेड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनादर नॉन रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को बॉन्ड या जीडीआर ट्रांसफर करता था आउटसाइड इंडिया इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन जरा बताइए ये प्रोविजन हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए पढ़ा है क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन आउटसाइड इंडिया ही चिपका देता है आई सेम चीज़ बॉन्डर बॉन्डर के लिए भी की जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी हिट हुआ बॉन्ड डिवेंचर हिट हुआ इसके बाद में इन्होंने और चीजें इसमें ऐड कर दी आज के तारीख में इतनी चीजें हैं जिनके साथ ये किया जाता है एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया ही ट्रांसफर कर रहा है क्या बॉन्ड जीडीआर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड डेरिवेटिव सच अदर सिक्योरिटी सच अदर सिक्योरिटी मतलब फॉरन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट फॉरन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इस साल से एड किया गया बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है कहां बेटा आउटसाइड इंडिया तो देर विल बी नो कैपिटल गेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि इसमें पिछले ही साल इतने सारे आइटम ऐड किए गए हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं डन बेटा डन चेक कीजिए सब, चेक कीजिए रुकिए, रीलोकेशंस वाले भी रुकिए। हम्म, सेवेंटीन पेज नंबर पे आइए एनी ट्रांसफर ऑफ सॉवर एंड गोल्ड बॉन्ड बाई वे ऑफ रिडम्पन हम लोग ऑलरेडी फोर्थ प्रोविजो पढ़ते हुए ये पढ़ते आए हैं कि अगर सॉवर एन गोल्ड बॉन्ड्स रिडीम होते हैं किसके हाथ में इंडिविजुअल के हाथ में देर इज नो कैपिटल गेन याद होगा तो यही वाला जो पार्ट था जो दिख नहीं रहा था यह अब दिखा है सॉवर एन गोल्ड बॉन्ड अगर रिडीम होते हैं अगर आप देखेंगे फोर्थ प्रोविजो पे हम इसको पढ़ के आए हैं फोर्थ प्रोविजो इंडिविजुअल रिडम्शन हो रहा है मेचोरिटी पे नो कैपिटल गेन यही अगर मेचोरिटी से पहले ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल गेन्स आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पे पेज नंबर सेवेंटीन पे ही एनी ट्रांसफर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट बुक मैन्यूस्क्रिप्ट साइंटिफिक अपरेटस टू गवर्नमेंट म्यूजियम या नेशनल आर्ट गैलरी देखिए क्या होता है अभी जैसे अगर आप कभी पुणे में आएंगे तो पुणे में फिल्म आर्काइव्ड बना हुआ है यस yes, कहाँ है एफ जो है पुणे का उसके अपोजिट में बना हुआ है लिटरली वहां पे जाने की फीस बहुत कम है शायद हंड्रेड रुपीज़ के अंदर भी है वहां पे पूरा फिल्म आर्काइव बना हुआ है जहाँ पे आप जा सकते हो फ्री में मूवी भी देख सकते हो यस yes, और कोई ना कोई एक्टर या थिएटर का वर्क करने वाला आपको मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे राइट right? तो अब आप क्या करती है ज़रा समझिए यशराज फिल्म सीनियर यशराज ऑलरेडी बहुत सारी फिल्म बनाई है डी डी एल जे जैसी फिल्म राइट जो जो मतलब बहुत सुपरहिट रही है इनके कुछ चीज इनकी कुछ यादें क्या कर जाती है वहां रखी जाती है जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट इनको क्या करती है कुछ रॉयल्टी अमाउंट देती है या फिर एक लमसम अमाउंट दे देती है और गवर्नमेंट अपने कस्टडी में इसको ले लेती है यस yes, ठीक उसी तरीके से म्यूजियम्स बनाने के लिए भी सेम चीज़ की जाती है अब कोई व्यक्ति ने इस तरह से ट्रांसफर किया होगा बदले में कोई अमाउंट मिली होगी इसको कैपिटल गेन से हटा दिया गया है वर्ड पढ़ लीजिए एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट बिंग एनी वर्क ऑफ आर्ट आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बुक मैन्यूस्क्रिप्ट ड्राॅइंग पेंटिंग स्लप्चर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नेशनल आर्ट म्यूजियम नेशनल आर्ट गैलरी Not be regarded as transfer, not liable to capital gain. तो आपके हाथ की कोई अच्छी बनाई हुई पेंटिंग होगी जो आपने अपने दोस्त की बुक में बनाई होगी आप वहाँ पर दे सकते हैं नेक्स्ट कन्वर्जेंस ये तीनों इंपॉर्टेंट ये तीनों इंपॉर्टेंट पेज नंबर सेवेंटीन पे चल रहे हैं हम पहले सिर्फ दो ही हुआ करते थे बॉन्ड और डिबेंचर जब शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इट वाज नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर नॉट लेबल टू कैपिटल गेन इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था बिकॉज ये एक्सचेंज है आप बॉन्ड देके शेयर्स लेते हो ये एक्सचेंज है इस पर कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था पर अगर इस पर टैक्स ले लेते तो कन्वर्टिबल बॉन्ड नाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता क्या खत्म हो जाता कन्वर्टिबल बॉन्ड्स नाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता इस चीज के लिए क्या किया गया इसको एग्जाम कर दिया गया अब जब बॉन्ड और डिवेंचर एग्जाम किया तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर ने बोला मैं भी तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता हूं कि एक दिन मैं भी काय में कन्वर्ट हो जाता हूं इक्विटी में एक और प्रोविजन इंसर्ट किया बोले कन्वर्टेबल शेयर अगर इक्विटी में कन्वर्ट होता है इज नॉट नॉट एज ट्रांसफर टू कैपिटल गेन यस तो ये है सर आपका बॉन्ड और डिवेंचर इन टू शेयर ट्रांसफर ऑफ एनी कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए सी इन टू शेयर और कन्वर्जन ऑफ एनी प्रिफरेंस इन टू इक्विटी शेयर ऑफ दैट कंपनी नॉट रिकार्डेड एज ट्रांसफर नॉट लाइवल टू कैपिटल गेन्स जो कंपनी सिक कंपनी बन जाती है एंड आर कवर्ड अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट दीज आर मेनली मैनेज बाय इट्स वर्कर क्योंकि जो कंपनी सिक हो जाती है तो इनके वर्कर्स वगैरह वर्कर के जो पेमेंट होते हैं ये होता है उसके लिए क्या किया जाता है एक वर्कर्स मैनेजमेंट बनाया जाता है जो कंपनी को फॉर दैट टाइमिंग क्या करता है रन करता है अब ऐसा मैनेजमेंट कंपनी की क्या कर देता है लैंड सेल कर देता है लैंड सेल करने पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था पर अगर कोई सिक कंपनी लैंड सेल कर रही है जिनको उनके वर्कर्स मैनेज कर रहे हैं नॉट नॉट रिगार्डर टू कैपिटल गेन ईमानदारी से एक बात बताओ कभी फोर्टी की लिस्ट पड़ी है खुद से ऐसे पूछ रहा हूं ऑप्शन में छोड़ के जाते थे ना हर बार है ना बहुत शानदार एक नंबर बेटा चलो आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर पेज नंबर 18 पे आओ पहले यहां से चालू करेंगे फॉर्म में एंटर करेंगे सोल प्रोपराइटर इज सक्सीडेड बाय कंपनी कई बार सोल प्रोपराइटर कंपनी में कन्वर्ट होती है हम ही क्लाइंट को ये सजेशन देते हैं पहले एक बात बताओ आप सोल प्रोपराइटर कंपनी में कन्वर्ट करने का सजेशन दोगे या नहीं दोगे पांच मिनट थोड़ा सा अलग डिस्कशन करते नहीं तो बहुत बोर होगा हाँ जी जल्दी से बताओ एक सवाल था आप सभी लोगों से सवाल यह है कि विल यू सजेस्ट टू कन्वर्ट प्रोप्राइटरी टू कंपनी और यह सवाल मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि अभी बस कुछ महीनों बाद आपको और मेरे को मार्केट सेम नजरों से देखेगा अभी बीच में यू नो you know, अडानी का जब इश्यू चल रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अडानी की जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाले हैं कुछ 25-30 साल के लड़के हैं मैंने बोला यार मेरे को एक बात बताओ पच्चीस साल का हुआ या तीस साल का हुआ या साठ साल का हुआ है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पच्चीस साल का हो तीस साल का हो पैतीस साल का हो पचास साल का हो जो भी हो पचहत्तर साल का हो है तो वो सीए ही इंस्टीट्यूट तो इन्हें एक्सपीरियंस के नजर पे नहीं बदलती जितनी फीस सेवेंटी इयर्स एज वाले कोई सर दे रहे होंगे उतनी फीस मैं भी दे रहा हूँ फीस वाइज तो क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ एक्सपीरियंस वाइज तो मार्केट हमें सेम ही देखता है तो कुछ लोग जिनको ये समझता ही नहीं है यस yes, प्लीज़ समझे हम जितने ये कोर्स वाले होते हैं ना राइट हमें सेम पैरामीटर पे देखा जाता है हमारे एज के हिसाब से हमारा नॉलेज नहीं देखा जाता हम सब ने सेम ही एग्जाम पास की होती है है ना हमारे यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होता जैसे साइंस की फील्ड में कई फील्ड में होता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता आप क्या रैकिंग लेना पॉसिबल है बिकॉज सीनियर हमेशा सीनियर ही रहता है हमारे यहाँ हमारा जूनियर कब हमारा सीनियर बन जाए पता नहीं चलता ऐसा नो कई बार तो क्लासमेट भी बन जाता है बराबर है कि नहीं कई बार पास होकर आगे निकल जाता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई दोस्ती था पास हो गया मेरा बॉस परेशान कर रहा तो दोस्त के अंदर आर्टिकल कर रहा मैं। <laughs> ऐसा भी होता है चलो बोलो विल यू सजेस्ट योर क्लाइंट टू कन्वर्ट अटर इन टू कंपनी आपको पता इलेवेंथ में आपने एक पढ़ा था। इन लाइट्स पे अपने जवाब दीजिए स और नो यस और नो का जवाब दीजिए एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा आपको क्या लगता है येस और नो विल यू सजेस्ट योर क्लाइंट टू कन्वर्ट वो आता है और बोलता है कि हाँ चल मेरे को कंप्लेन करने की इच्छा है विल यू सजेस्ट नो जल्दी जल्दी बोलो अंद आंसर इज प्योरली नो आसमी वाई पॉइंट नंबर वन टैक्स रेट्स पॉइंट नंबर टू ह्यूज कंप्लायसेज अंडर कंपनीज एक्ट एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट समझ में आ रही बात तीसरी बात ऑडिट बिकेम्स मैंडेटरी याद करो कंपनी है ऑडिट मैंडेटरी कंपनीज ऑडिट में आपने पढ़ा था यहाँ पे जब 44 फोर ए बी सेटिस्फाई होगा तब ऑडिट करनी पड़ेगी ठीक है चौथा पॉइंट असेसमेंट्स के अंदर में जल्दी कवरेज हो जाना अगर आप कंपनी एज एस एस है आपके असेसमेंट्स मोर फ्रीक्वेंट होते हैं राधर देन इंडिविजुअल एज एस क्योंकि आपके पास कमाने के लिए बहुत कुछ है इंडिविजुअल के बहुत सारे खर्चे हैं खुद कई बार तो मतलब मॉरल ग्राउंड्स पे भी छोड़ देते हैं कि क्या लेंगे बेचारे से सो नेवर दूसरी बात क्या है कंपनी के दुनिया भर के कंप्लाइंस मीटिंग करो जनरल मीटिंग करो नॉट जस्ट इनकम टैक्स डोंट थिंक एवरीथिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स ओनली कंपनीज एक्ट का सोच के देखो ना हर क्वार्टर में मीटिंग करते बैठो फिर बोर्ड मीटिंग करते बैठो एनुअली एजीएम करते बैठो फिर उसके मिनट्स बनाते बैठो इतना दुनिया भर का डिटेल्स रखते बैठो प्रोपराइटर का कोई काम ही नहीं आप अगर अपने क्लाइंट्स को प्रोपाइटरशिप को देखोगे आठ परसेंट आदमी दुनिया का सबसे खुश फोर्टी एडी लेके आता है फोर्टी एडी में आठ परसेंट दिखाता तेल लगा नहीं गया कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ मेंटेन नहीं करता वो आठ परसेंट ईमानदारी से टर्न ओवर पर बेसिस पे भर के खत्म कर देता मैक्सिमम ये सो नो समझ में आई बात सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज अब कई बार ये लोग कन्वर्ट करते भी है कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या है पॉइंट नंबर पहला आपको शेयर कैपिटल चाहिए आप लोन्स पे काम नहीं करना चाहते एंड यू वांट टू इशू शेयर दूसरा कई काम प्रोपराइटर के बेसिस पे नहीं मिलता जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं तो आपका कंपनी स्टेटस होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग कंपनी स्टेटस देखते हैं राइट तो इस केस में कई बार आपके हाथ से काम छूट जाते कई टेंडर छूट जाते बिकॉज यू आर नॉट अ कंपनी स्पेसिफिकली व्हेन व्हेन यू आर इनटू कंस्ट्रक्शंस क्योंकि मेरे केस में मैंने हमारे क्लाइंट को देखा था कंस्ट्रक्शन सब सब वही कर रहा है बट सिंस इट वाज नॉट अ कंपनी उनके हाथ को क्या नहीं मिलता उनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते तो कई बार इसके लिए कन्वर्ट किया जाता है कमिंग टू द टॉपिक सर अगर सोल प्रोपेटर कंपनी में कन्वर्ट होता है इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है पहला ऑल एंड लाइब्रिटीज आर ट्रांसफर्ड यस yes, दूसरा हमने एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट कंपनी के होल्ड करने हैं एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट अगर कंपनी के होल्ड करने हैं मतलब या तो ये वन परसेंट कंपनी होनी चाहिए या तो ये प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए इनिशियली टैक्स यू नो इनिशियली टैक्स अवॉइड करने के लिए यू मेक इट अ प्राइवेट कंपनी एंड देन बाई प्रोसेस आप प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर दे बट टैक्स के मेजर्स के लिए आपको इससे पहले प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी क्योंकि बोल मिनिमम आपके पास होने चाहिए तीसरा ये जो शेयर्स आप लेंगे कंपनी के अंदर में इसको एटलीस्ट पांच साल तक होल्ड करके रखना पड़ेगा सो पहला ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो होनी चाहिए कंपनी की राइट ये ट्रांसफर होनी चाहिए शेयर होल्डिंग ऑफ शेयर सोल प्रोपराइटर

क्योंकि आप तो अपना सब एंड ट्रांसफर कर देंगे अब आपके असड नहीं रहे वो किसके असर बन जाएंगे कंपनी कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था पर कन्वर्जन एंड बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को आम करने के लिए किया गया था कमिंग टू द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आज तक फोर्टी सेवन में थ्योरी में छह बार पूछे जाने वाला यह अकेला पॉइंट है और आज भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट यही है ज दिस डन कमिंग बैक सर प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्टिंग टू एल ये क्वेश्चन एल एल पी आने के बाद जो पूछना चालू किया है यह आज तक पूछे ही जा रहा है बराबर है यह आज तक क्या किया जा रहा है पूछे ही जा रहा है प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्टिंग इन टू एल सुनिए एल एल पी में आप कन्वर्ट हो रहे हैं चलिए डिस्कशन भी कर लेते हैं इज एल एल पी ए गुड ऑप्शन रादर देन प्राइवेट कंपनी डिस्कस यस वाई टैक्स रेट तो सेम है कंप्लायसेस बहुत लेस है जहां आपने कंपनी वर्ड यूज किया अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट इन टू पिक्चर विच रेजेज मोर कंप्लायसेस वेर इन एन एल एल पी देर इज लेस ऑफ कंप्लायस एल एल पी एक्ट जितना हिट होना चाहिए था उतना हुआ ही नहीं पर एल एल पी के कुछ जो फीचर्स है वो बहुत बढ़िया है ये yes, जहां पे आपको कंपनी की सारी चीज मिल जाती है बट इन द पार्टनरशिप फॉर्म एंड दैट्स वाई यू ऑलवेज सजेस्ट फॉर गोइंग टू एल एल पी रादर देन कंपनी यस yes, अच्छा जी अब अगर प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा मेनली पांच कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए सारे शेयर होल्डर का एटलीस्ट होल्डिंग फिफ्टी परसेंट होना चाहिए सारे शेयर होल्डर पार्टनर बनने चाहिए सारे शेयर होल्डर क्या बनने चाहिए पार्टनर बनने चाहिए होल्डिंग एटलीस्ट पांच साल कंटिन्यू रहना चाहिए शेयर्स के अलावा कोई और कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए ये मेजर पांच है राइट मेजर पांच ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड ऑल शेयर होल्डर टू बिकेम पार्टनर डू नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन अदर देन प्रॉफिट होल्ड फॉर एटलीस्ट फाइव इयर्स, यस अच्छा जी दो कंडीशन और दी है तीन में से पिछले तीन में से कोई भी साल में टर्नओवर 60 लाख ,00 के ऊपर नहीं जाना चाहिए टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 60 लाख। ,00 60 लाख ,00 के ऊपर टर्नओवर नहीं जाना चाहिए अब मैं आपको एक बताऊं इनकम टैक्स का काम क्या है एक टाइम था जब टैक्स ऑडिट की लिमिट 60 लाख ,00 पे थी तब इस का लिमिट सिक्सटी लाख रखा गया था टैक्स ऑडिट की लिमिट तो बढ़ा दी इसका लिमिट सेम रख दिया समझ में रही बात अब लोगों ने क्या करना चालू किया इसमें भी टैक्स प्लानिंग करना चालू किया जिसके कारण लास्ट क्लॉज ऐड हुआ सुनिए सपोज कीजिए एक प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी के पिछले थ्री प्रीवियस ईयर के टर्नओवर कुछ ऐसे हैं 1.2 करोड़ 0.70 लाख 0.70 करोड़ 0.45 करोड़ बराबर मतलब 45 लाख 70 लाख एंड अबव वन करोड़ इस कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है इज देर एनी टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकता है जबकि लॉ क्लियर कट कहता है पिछले तीनों में से किसी भी साल का टर्नओवर एक्सीड नहीं होना चाहिए अब बोलो करके दिखाओ फिर भी करके दिखाओ जल्दी बोलो मालिक पॉसिबल है नहीं क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही लोग क्या टैक्स प्लानिंग करते थे मालूम है लोग इतने डेंजर थे कि लोग सबसे पहले एक अनादर प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते थे अनादर प्राइवेट कंपनी क्या करती थी इसका हंड्रेड परसेंट ले लेती थी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बन गया होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बनने के चक्कर में देर इज़ नो कैपिटल गेन इस प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर क्या है पिछले साल का जीरो दैट इज डज़ नॉट एक्सीड सिक्सटी एल एल पी में कन्वर्ट क्योंकि जब आप टेक ओवर्स करते हैं या अमल गमेशन करते हैं तब इसका टर्नओवर इसमें नहीं आता जबकि असेट की वैल्यू इधर की इधर रिकॉर्ड होती है लाइबिलिटी की वैल्यू इधर की इधर रिकॉर्ड होती है पर टर्नओवर की वैल्यू इधर की उधर रिकॉर्ड नहीं होती समझ में आ रहा है क्या तुमको तो लोग इतने तेजस्वी लोग हैं भारत के कि उन्होंने क्या किया प्राइवेट कंपनी करते थे एक नई प्राइवेट कंपनी बनाते थे और उसको इधर कन्वर्ट कर देते थे बोला अब यह टेक ओवर कर लिया अब 100 परसेंट होल्डिंग कंपनी के चक्कर में ऊपर जो लॉ पड़ के आए होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडी नॉट रिकार्डेड एज ट्रांसफर इधर कैपिटल गेन अवॉइड किया इधर से उधर डाल देते थे बोलते थे इस कंपनी का टर्नओवर तो है ही नहीं या मिनिमलिस्टिक टर्नओवर दिखा के बुक करके क्या करते थे गेम खेल देते थे

असेट का वैल्यू आ गया अब ये टैक्स प्लानिंग बंद कर दी अब ये टैक्स प्लानिंग क्या कर दी बंद कर दी सो असेट का वैल्यू तीनों पिछले तीन में से किसी भी साल में कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए बेटा फाइव करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए ये सोनो नो अमाउंट इज पेड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पार्टनर आउट ऑफ द अक्यूमुलेटेड में से किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट्स ट्रांसफर नहीं करने हैं पचास परसेंट से नीचे नहीं होनी चाहिए इस होल्डिंग को पांच साल होल्ड करके रखना है नेक्स्ट जो सेल्स टर्न ओवर है पिछले तीन में से किसी भी साल में सिक्सटी लैक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए असेट्स का जो वैल्यू है वो पिछले तीन में से किसी भी साल में बेटा फाइव करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए इफ ऑल ऑफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड आपका कैपिटल गेन क्या हो जाएगा एक्सम्ड इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इसी से कनेक्टेड एक और चीज इसी से कनेक्टेड एक और चीज ट्रांसफर ऑफ फर्म टू कंपनी फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो वट आर द बेनिफिट्स ऑफ फर्म विल यू सजेस्ट योर क्लाइंट टू कन्वर्ट फ्रॉम अ फर्म टू कंपनी एंड द आंसर इज नो रीजन कंप्लायंस ओनली वन रीजन एंड दैट इज कंप्लायंस कंप्लायंस के चक्कर में यू विल नेवर सजेस्ट दिस टू एनी वन यस और नो चलिए जी चेक एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंटेलिबलट बाई फर्म टू कंपनी कंडीशन वही पांच कट कॉपी पेश करो ऑलिटी प्रोपराइटर से पढ़ते आ रहे हो राइट right? अब यहां पर पार्टनर क्या बनना चाहेंगे शेयर होल्डर सो ऑल पार्टनर ऑल बोला है एक भी जन एक्सेप्शन में नहीं ऑल पार्टनर टू बिकेम शेयर होल्डर ये क्यूमुलेटिव होल्डिंग उनके एटलीस्ट कितने परसेंट की right 50%, 50 वोटिंग राइट होनी चाहिए फिफ्टी परसेंट इनका फिफ्टी परसेंट से वोटिंग राइट रिड्यूस नहीं होना चाहिए एंड एंड इसको कितने साल होल्ड करके रखना है पांच साल चार कंडीशन यहां पे भी क्या है कॉमन नेक्स्ट बोला है आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बींग मेंबरशिप राइट्स हेल्ड इन रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर वही अगर डीम्यूचुअलाइजेशन होता है या स्टॉक एक्सचेंज का जो बहुत पहले ही हो चुका है एन एस के, के केस में ऑलरेडी क्या माना जाएगा कैपिटल गेन से बाहर हाँ। oh. लास्ट थ्री इसमें से अमेंडमेंट रिलेटेड पार्ट जो भी है ये आज नहीं कल का लेक्चर पूरा अमेंडमेंट बेस्ड ही रहेगा कल का लेक्चर पूरा अमेंडमेंट बेस्ड ही रहेगा आइए सर ध्यान से सुनिए पहला बिजनेस ट्रस्ट अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस ट्रस्ट को अगर क्या कर रहा है कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन एनी ट्रांसफर ऑफ ये इंपॉर्टेंट है नी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट अलॉटेड बाई दैट ट्रस्ट क्या होता है बिजनेस ट्रस्ट में हम इसको और समझेंगे एस पी वी जो होता है ना जो फंडिंग ले रहा है राइट एसपी वी के जो शेयर है ये बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफर किए जाते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ यूनिट्स अलॉटमेंट टोटली एक्समड नॉट लेबल टू कैपिटल गेन इंस्टीट्यूट हाल फिलहाल में पूछ रहा है कंसोलिडेशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल सुनिए इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट यस सुनिए इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट सर होता यह है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है कौन होती है बेटा म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है स्कीम लॉन्च किया एक डेढ़ महीने बाद दो महीने बाद तीन महीने बाद चार महीने बाद

लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड से बाहर आना शुरू हुआ म्यूचुअल फंड कंपनी ने इनकम टैक्स को गुहार लगाई बोले सर क्या कर रहे हो ये कुछ तो हमारे लिए करो तब जाके बोला इफ देर इज कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इट विल नॉट बी रिगार्डेड एस ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन प्रोवाइडेड सेम होना चाहिए दैट इज इक्विटी ओरियंटेड म्यूचुअल फंड मस्ट कंसॉलिडेट विद इक्विटी ओरियंटेड म्यूचुअल फंड डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मस्ट कंसोलिडेट विथ डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड समझ में आ रही बात इफ इक्विटी इज कन्वर्टेड इन टू डेप्ट और डेप्टज कन्वर्टेड इंटू इक्विटी तब ये कैपिटल गेन में आ जाएगा एनी ट्रांसफर बाय यूनिट होल्डर ऑफ अ कैपिटल यूनिट हेल्ड बाय हेम इन कंसॉलिडेशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड मेड इन कंसॉलिडेशन फॉर अलॉटमेंट

यूनिट होल्डर को भी कोई बेनिफिट हो रहा है नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन डेना मालिक दैट्स इट कल हम लोग क्या करेंगे कल प्रभु हम लोग को आप देख सकते हैं आपके नोट्स में नीचे दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका यूलिप दिया हुआ है यूलिप के साथ साथ डिजोल्यूशन दिया हुआ है डिजोल्यूशन के साथ साथ आगे की चीज दी हुई है मोटे मोटे तौर पे कल हमारा कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा जिसमें अमेंडमेंट्स कवर हो रहे हैं, तो भैया कल का लेक्चर मिस करने की गलती मत करना ठीक है मालिक थैंक यू सो मच फॉर द डे। कुल मिलाकर के बड़ी जिम्मेदारी सॉल्व है। है है करने हैं उठाओ क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन ठोक दो जहां पे तीन सेक्शन हमने नहीं पढ़े पूरा क्वेश्चन ठोक दो एंड कंप्लीट द कैपिटल गेन राइट नाउ समझ में आ रही बात थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर कल का लेक्चर रहेगा टाइमिंग्स एंड बाकी डिटेल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे जैसे हर रोज अपडेट कर देता हूं